चलिए, एनी डाउट्स इन प्रीवियस लेक्चर प्लीज आस्क मी। कोई डाउट्स था? कोई डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट यू आर हैविंग इन द प्रीवियस लेक्चर? यस शक्ति, प्लीज शक्ति। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि वैल्यूज कैसे डेवलप होते हैं सोसाइटी में। अभी वैल्यूज अपन पढ़ेंगे, अभी अपन पूरा वैल्यूज पढ़ेंगे, किस तरह से वैल्यू सिस्टम बनता है ये भी अपन देखेंगे, उस वैल्यू सिस्टम को कैसे चेंज किया जाता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है? दैट इज इन द कमिंग लेक्चर, आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। और सर, मॉरल्स जो हैं वो कंडीशनल और रिलेटिव, ये थोड़ा समझना था। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, मॉरल्स और कंडीशनल रिलेटेड। देखिए क्या होता है, जैसे मॉरल्स जो होता है ना, जैसे मेरे मॉरल्स है, एक होता है कि एक तो होता है एब्सोल्यूट मॉरल, ठीक है? एक अब्सोल्यूट मोरल है कि भाई इसके अंदर, इसके आगे हमको हिलना ही नहीं है, ठीक है? कि मतलब मैं सच बोलता हूँ तो सच ही बोलूंगा, चाहे मेरे आगे कोई किसी की डेथ भी हो रही है, तो वो होता है एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है? जो अभी अपन पढ़ेंगे अभी आने आने वाले समय में, इसी स्लाइड्स के अंदर आएगा। एक होता है रिलेटिविज्म, जिसके अंदर ये क्या है, ये कंडीशनल है, ठीक है? कंडीशनल है कि मैं सच जब बोलूंगा, जब मैं सच तब तक बोलूंगा जब तक कि किसी का हार्म नहीं हो रहा हो, ठीक है? मैं झूठ बोल सकता हूँ दूसरों को बचाने के लिए, या फिर एथिक्स को मेंटेन करने के लिए, या फिर धर्म को बचाने के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ। जैसे युधिष्ठिर, जैसे हमने देखा था कि किसने बोला था, ये युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, हाफ ट्रूथ ऑफ युधिष्ठिर, वो जो था वो यही कंसेप्ट था कि धर्म की रक्षा करने के लिए। कृष्ण को देखिए आप, लॉर्ड कृष्णा को, ठीक है? कितनी जगह उन्होंने चीटिंग करी थी, अगर हम देखें, अगर हम कोर के अंदर जाएं तो कितनी जगह कर्ण का जो वध हुआ वो चीटिंग के कारण ही हुआ था, ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो उनका गुरुद्रोण का वध हुआ वो भी चीटिंग के कारण हुआ था। इवन दुर्योधन का जो डेथ हुआ है वो भी, और वो भी क्या हुआ है, चीटिंग के कारण ही हुआ है। तो उस केस के अंदर, इन दैट केस द मोरल्स विल बिकम कंडीशनल, मोरल्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा विल बिकम कंडीशनल। आर यू गेटिंग दिस? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया था आपको कि किडनैपर है, एक बच्चे को ढूंढ रहा है वो, ठीक है? और एक बच्चा छुपा हुआ है और मुझे वो बच्चा दिख रहा है, पर किडनैपर ने मेरे से पूछा कि वो बच्चा कहाँ पर गया है, तो आई विल से दैट आई डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है? इट मींस व्हाट? इट मींस कि मेरे जो, मैं वैसे तो सच बोलता था, मेरा वैल्यू सिस्टम और मोरल वैल्यू सिस्टम ट्रुथ स्पीकिंग है, बट एट द टाइम आई डिनाइड दैट वन, और आई कंडीशनली मैंने डिसाइड करा क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड करा कि मुझे सच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। इन द केस ऑफ युधिष्ठिर ऑल्सो द कंडीशन वॉज देयर, ठीक है? कि अगर द्रोण को नहीं मारा जाता तो वो क्या हो जाते, वो पूरी जो पांडव की सेना है ना उनको खत्म कर देते, राइट? तो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम दैट द्रोण शुड बी किल्ड, ठीक है? बाय हुक और बाय क्रुक। तो उन्होंने इस तरह से फिर द्रोण के लिए उस वक्त एथिक्स को बचाना था, राइट? तो ये इसका मतलब सर, कि मोरल्स आर कंडीशनल समटाइम्स, मोरल्स आर रिलेटिव। का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब आपके मोरल मेरे मोरल अलग अलग है, ठीक है? मेरी मोरल वैल्यू सिस्टम अलग है, हो सकता है आप फेमिनिज्म पे बिलीव करते हैं, हो सकता है और मैं पैट्रियार्की पे बिलीव करता हूँ, तो दैट इज रिलेटिव, ठीक है? मोरल्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है का मतलब क्या है कि आपके मोरल्स अलग हैं, मेरे मोरल्स अलग हैं, मोरल्स आर टू सब्जेक्टिव। इज दिस क्लियर? यस सर, प्लीज। ओके, यस अंजुम, प्लीज आस्क मी। सर, आपने कल बोला था कि एक आपने एक बॉक्स बताया था, उसमें बहुत सारा आपने जैसे ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग ऐसा कुछ बोला था, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हम उस इंसान की वैल्यू रखते हैं, तो सर हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि हम वैल्यू उसकी का मतलब वैल्यू क्या रखते होता हैं है? तो? वैल्यू का मतलब होता है दाम, ठीक है? अगर हम सिंपल देखें तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है दाम। अगर आप प्राइस देखें, प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज नोन एज वैल्यू, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या है, ये होता है ना, इसका प्राइस क्या है, इसका मतलब दाम होता है, ठीक है? तो वैल्यू का मतलब दाम होता है, किसी की आप वैल्यू करते हैं, किसी पर्सन की आप वैल्यू करते हैं। इफ यू आर वैल्यूइंग समवन, मतलब उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन, ठीक है? तो वैल्यू का मतलब क्यों होता है कि आप किसी की वैल्यू करना, मतलब कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है? उसका उसका आप ये दे रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज है, ये सब है, ठीक है? तो अब ये वैल्यू सिस्टम है, तो आपका वैल्यू सिस्टम के अंदर से आपने कुछ वैल्यू ली, मतलब आपने उसको इंपॉर्टेंस दी। जैसे आपने मान लीजिए सेल्फलेसनेस ले ली, सेल्फिशनेस आपने ले ली है, तो आपने उस चीज को इंपॉर्टेंस दी, और फिर इंपॉर्टेंस देने के बाद आपने उसको जब उसूल बना लिया, ठीक है, देन इट इज नोन एज योर मोरल वैल्यूज।
वो वैल्यूज जिसको आपने क्या करा, उसूल बना लिया, ठीक है। अगर मान लें सेल्फिशनेस आप इंपॉर्टेंस ही नहीं देते तो वो आपके लिए वैल्यू भी नहीं होती, वो आपको वैल्यू कंसिडर ही नहीं करते। जब आप उसको वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं मतलब यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट वन, उसका उसके बारे में क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप समझ रहे हैं कि ये चीज अच्छी है, इसको देखना चाहिए, ठीक है। फिर आपने देख कर उसको उसूल बना लिया, देन इट विल बिकम योर मॉरल वैल्यूज। तो वैल्यू का सिंपल मीनिंग देखो, वैल्यू का मतलब होता है दाम करना, किसी का किसी की वैल्यू करना मतलब क्या होता है, आप किसी इंसान की वैल्यू कर रहे हो, इट मीन्स वॉट कि आप उस पर्सन को क्या करना चाहते हैं, उस पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, सेल्फिशनेस है, सेल्फिशनेस की अगर आप वैल्यू कर रहे हो तो आप उसके बारे में सोचते हो, अब उसको अगर आप उसूल बना लेते हो देन इट विल बिकम्स योर मॉरल वैल्यूज, उसको आप बिल्कुल इंकल्केट कर लेते हो अपने अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, देन इट इज नोन एज मॉरल वैल्यूज, ठीक है। जैसे एक पर्सन है वो ये सोच रहा है कि ऑनेस्टी इज ए गुड वैल्यू, अब उसके लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंस रखने लगी, ऑनेस्टी इज ए गुड वैल्यू। अब जब तक वो ऑनेस्टी इज ए गुड वैल्यू कर रहा है तो उसके वैल्यू सिस्टम के अंदर आ गई है, ठीक है। बट व्हेन ही इज सेइंग दैट ऑनेस्टी, आई एम फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, देन इट विल बिकम द मोरल। अंजू इज इट क्लियर? जी सर, जी सर। डार अमीर प्लीज आस्क। गुड इवनिंग सर। सर यस्टरडे यू टोल्ड दैट मॉरल्स आर कंसिस्टेंट एंड स्टेबल, या बट ऑन द सेम साइड यू आर राइटिंग दैट मॉरलिटी इज रिलेटिव आल्सो। मॉरलिटी इज रिलेटिव मींस हम ये कह सकते हैं रिलेटिव मॉरल्स, मतलब आप कह रहे हैं कि मॉरलिटी है। हां आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, या आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन आमिर, लेट मी सर। आप कह रहे हो एक जगह पे आप कह रहे हो इट इज रिलेटिवली कंसिस्टेंट, दूसरी जगह पे कह रहे हो आप मॉरलिटी इज रिलेटिव, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है? नहीं, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, डोंट यू वरी सर। सर लिसन सर, मॉरल यू सेड दैट ट्रूथफुलनेस, समवन इज ट्रूथ इज इट इज टोटली एब्सोल्यूटिज्म हियर एंड इट इज मॉरलिटी, एंड ऑन द अदर साइड यू आर सेइंग इट इज रिलेटिवली कंसिस्टेंट, इट इज रिलेटिवली कंसिस्टेंट, एंड हियर यू आर टेलिंग दैट इट इज रिलेटिवली ट्रूथ। Can we say this? Suppose we are securing someone's life in order to maintain the morality of someone. So can we say that a relatively consistent and a relative in morality are two different inconsistent terms? Okay. First of all, the thing is that ki basic ke andar aapka problem hai. What is relative and what is consistent? Isko apan pehle samajh lete hain. Then your doubt will clear automatically, right? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लिसन दिस वन, कि कंसिस्टेंट का मतलब मैंने क्या बोला था और रिलेटिव का मतलब क्या बोला है, ये दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर यूज किए गए, ठीक है। हमें अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर कैसे यूज करें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं एक अपना उसूल मानता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक अपना उसूल माना, ये मेरा मोरल सिस्टम है कि ऑनेस्टी इज माई मोरल सिस्टम, दिस इज माई उसूल, ठीक है। अगर हम देखें टर्म यूज करी थी रिलेटिवली कंसिस्टेंट, ठीक है। रिलेटिवली कंसिस्टेंट मतलब कि इथिक्स के रिलेटिव में मोरल्स आर कंसिस्टेंट इन एन इंडिविजुअल। अगर मैं इंडिविजुअल हूं और मेरे कोई उसूल है, एक है इथिक्स, इथिक्स मतलब एक सोसाइटी के इथिक्स उसूल है, ठीक है, इट इज द सोसाइटीज रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इथिक्स। एक है मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज नोन एज मोरल्स। अच्छा ये बताओ दोनों में से ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है तुम्हारे लिए, तुम्हारे एथिक्स कंसिस्टेंट है या फिर तुम्हारे मोरल्स कंसिस्टेंट है या फिर सोसाइटी के एथिक्स कंसिस्टेंट है? आमिर, मोरल्स। मोरल्स, दैट्स व्हाई मोरल्स आर रिलेटिवली कंसिस्टेंट। इज दिस क्लियर? रिलेटिवली मतलब एथिक्स के रिलेटिवली मोरल्स आर कंसिस्टेंट। आमिर, ऑफ कोर्स सर, यस यस सर, यस सर, आई अंडरस्टैंड सर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज रिलेटिव। रिलेटिव मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लिया था कि जैसे मान लीजिए एक कोई एक पर्सन है ए, उसका कोई मोरल है एक्स, बी पर्सन है उसका जो मोरल है दैट इज वाई। तो इसके अंदर क्या है, इन दोनों की रिलेटिवली ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसका मोरल अलग है, इसका मोरल अलग, दैट इज नोन एज रिलेटिव। दिस इज क्लियर आमिर? ओके सर, यस सर, है ना। तो आई थिंक योर डाउट विल बी क्लियर ऑटोमेटिकली, मेरे को पता चल गया था आपको रिलेटिव और कंसिस्टेंट के बीच में दिक्कत आ रही है, ठीक है। एनी मोर डाउट? थैंक यू सर, वेलकम। एनी मोर डाउट? ठीक है, तो बच्चों अभी हमने क्या करा है, हमने इथिक्स और मोरल्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस होता है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस नहीं पता है अभी तक, ठीक है। अगर आप देखेंगे, आप में से कई स्टूडेंट्स ये भी बैठे हैं जिन्होंने एथिक्स पढ़ लिया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, बट दे डू नॉट नो दैट बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एथिक्स, मोरल्स एंड द वैल्यूज, ठीक है। अब बात ये आती है कि एथिक्स हमारे जनरेट कैसे होते हैं, ठीक है, कि जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर वैल्यूज कैसे बनती है सोसाइटी के अंदर, ये सब चीजें अभी अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वैल्यूज को आप जो है ना, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यू आर ए चेंज एजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस वन, यू आर ए चेंज एजेंट मीन्स आपको कोई वैल्यू सिस्टम को चेंज करना होगा वहां पर, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस वैल्यू सिस्टम का बना कैसे, वो वैल्यू सिस्टम बना कैसे, ठीक है, फिर उसको किस तरह से चेंज करना है, उसके भी तरीके होते हैं, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे एटीट्यूड वाले चैप्टर के अंदर, कि एटीट्यूड के अंदर हम किस तरह से एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मेनी मींस फॉर दैट, ठीक है, वो हम उसके अंदर यूज करेंगे। इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा इसकी डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। अब देखिए, अपन ने यहां पर सटल डिफरेंस करा था व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरल्स, बट नाउ व्हेन वी आर यूजिंग द मोरालिटी टर्म, व्हेन वी आर यूजिंग द एथिकल प्रिंसिपल्स, देन दे आर सेम। उसके अंदर आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, जब एक एथिकल टर्म यूज करेंगे या फिर मोरालिटी टर्म करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट आर द सेम थिंग, राइट। पर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एथिक्स एंड द मोरालिटी, या एथिक्स एंड द मोरल्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होता है, देन यू हैव टू राइट इन दैट मैनर दैट वी हैव डिस्कस्ड। इज दिस ओके टू एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। टुडेस टॉपिक इज व्हाट इज डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स। यही आज हम कर पाएंगे इसके अंदर, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको मैं डिटेल में आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, जिससे कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो। और देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका और ज्यादा एनरिचमेंट होता रहेगा, और हम एक पॉइंट पे आएंगे, जैसे चार पांच क्लास बाद तो हम इस पॉइंट पे आएंगे कि हम केस स्टडीज को कुछ टच कर सके, है ना, छू सके उनको, केस स्टडीज को उनको समझ सके, इस वाले पॉइंट पे हम चार पांच क्लासेस के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे चलेंगे, ठीक है, उसके बाद हम फिलोसोफर्स पे चलेंगे, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी है, फिर हमको इसके अंदर 50 प्लस केस स्टडीज सॉल्व करनी है, ठीक है, वी हैव टू कवर 50 प्लस केस स्टडी, फिर हमको यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स कवर करने हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा या फिर प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा एग्जामिनेशन, तो उसके बाद 10 दिन का और आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, ठीक है, रिवीजन के लिए वो भी क्लासेस होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। इज दिस क्लियर? लैक ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यही है, एक होता है, देखो ये जैसे पाल्डेन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मींस दैट मोरल्स लैक्स ऑब्जेक्टिविटी, मोरल्स लैक्स ऑब्जेक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारा एक पेपर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या है, आपको आंसर दे रखे हैं, चार आंसर में से आपको एबीसीडी में से आपको चूज करना है, मतलब ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड है कि दिस आर द आंसर। हम देखते हैं मेंस पेपर जो होता है ना अपना सब्जेक्टिव होता है, इसका मतलब हर बंदा अपने हिसाब से लिख रहा है, हर बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मींस दैट इज ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड, जैसे मैंने 10 चीजें बोल दी, दैट इज ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड, इससे नहीं मिलना है, रूल बुक बना दी मैंने, तो मोरल्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव ना, क्योंकि तुम्हारे मोरल अलग है पाल्डेन, मेरे मोरल अलग है, तो सबके मोरल्स क्या है, अलग है, दैट्स व्हाई मोरल्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव, दे आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट मतलब मैं, तुम, हिमांशु हो गया, आमिर हो गया, शक्ति हो गई, इन सबके मोरल्स अलग अलग है, इज इट क्लियर पार्टन, दैट्स व्हाई मोरल्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कि सबको यही, सबका अलग अलग होता है, राइट, तो दैट्स व्हाई मोरल्स आर व्हाट, मोरल्स आर ऑब्जेक्टिव, राइट। आई होप क्लियर है, ओके, तो दिस इज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। और धीरे धीरे हम देखेंगे आपको खुद को बहुत अच्छा लगने लग जाएगा जब ये एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बिकॉज इसको हम पढ़ाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से, तो एक मजा आने वाला है आपको किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, ऐसे समझिए, ठीक है। तो व्हाट आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, हम एथिक्स की डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, और हमारे पास चार डायमेंशंस हैं, व्हाट इज मेटाएथिक्स, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, और व्हाट इज अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है ये हमको इसके अंदर समझना, ठीक है। मेटा एथिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी हम समझेंगे और उस क्वेश्चन को भी देखेंगे बाद में कि वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो अपन समझेंगे व्हाट इज मेटा एथिक्स, व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है,
और व्हाट इज अप्लाइड इथिक्स एंड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव इथिक्स, इसके बारे में अलग अलग डायमेंशन हम समझेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, दिस इज अ बिग टॉपिक और इसको हमको मल्टी डायमेंशन में समझना है। और ये जो टॉपिक होगा दैट विल क्रिएट अ बेस फॉर द कमिंग टॉपिक्स, कमिंग टॉपिक्स के लिए ये क्या करेगा, आपका एक बेस क्रिएट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेटाथिक्स। मेटाथिक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, मेटा एंड द एथिक्स। देखिए मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, दैट इज बियॉन्ड। जैसे हमने बोला कि देखिए एक एथिक्स सिस्टम है कि ट्रुथ बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक ट्रुथ, है ना, ये तो एक एथिकल प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब मैं पूछूं व्हाई, क्यों, तो ये हो गया बियॉन्ड दैट वन, ठीक है, कि अब इसका हमको रीजन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आपने मेरे से बोला कि भाई देखो आपको पढ़ना चाहिए, मैं पूछूं क्यों, आपको एल्डर्स की मदद करनी चाहिए, फिर एल्डर्स का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों, दैट इज समथिंग बियॉन्ड, ठीक है। इथिक्स है, दैट इज राइट, इथिक्स है, ये वाली इथिक्स है, ठीक है, ट्रूथ, यू शुड स्पीक ट्रूथ, दैट इज एथिकल वैल्यू, बट क्यों, जब हम क्यों कर रहे हैं, किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मेटाथिक्स। जैसे कि हम देखें कि यहां पर ये पर्सन बोल रहा है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बट व्हाई, व्हाई आई शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, इसके पीछे कोई रीजन तो दो मेरे को, क्या रीजन है कि हमको इथिक्स को फॉलो करना चाहिए, कोई तो रीजन होगा, क्यों हम इथिक्स को फॉलो करें, क्यों ट्रुथ बोले, क्यों हमेशा हम क्या करें, हम हमेशा अच्छी चीजें क्यों करें, क्या होता है इंसान के अंदर कि वो अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित होता है, क्या होता है इंसान के अंदर कि वो एथिकल बनना चाहता है, ए पर्सन शुड इज बिकमिंग एन एथिकल, व्हाई, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल थ्योरीज कि व्हाई पर्सन शुड बी एथिकल। जैसे ये बोल रहा है स्पीक ट्रूथ, बट व्हाई, व्हाई शुड आई स्पीक द ट्रूथ, He will become speechless, but you will not, because हम पढ़ा रहे हैं कि क्यों बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन follow the dharma, go fight। अर्जुन भी बोल कहेगा कि सर why मधुसूदन, क्यों, और उनको पूरा गीता समझाना पड़ गया, जो गीता वो कहना उसके अंदर अगर आप उसको ही पढ़ लोगे तो इथिक्स का पेपर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे आपको उसको, आपने इथिक्स पहले से पढ़ रखा है, आपको पहले से पता है कि आत्मा अमर है, ठीक है, आत्मा को न मारा जा सकता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गीता सार जो होता है, आपने महाभारत देखी होगी सबने, एथिकल वैल्यू सिस्टम उनके अंदर है सब कुछ, बस हमें एग्जाम के अंदर इसके अंदर लिखना है। और ये जो अपनी मैथोलॉजीज होती है ना, जातक कथाएं, मैथोलॉजीज, इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको देने होते हैं उसके, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स, ठीक है। तो व्हेनेवर समबडी सेइंग दैट, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा सुबह उठकर है ना पैर छुआ करो, मैंने बोला क्यों पापा जी, व्हाई, सो दैट इज नोन एज मेटाथिक्स, जब यू आर थिंकिंग बियॉन्ड दैट सेंटेंस, यू स्पीक ट्रूथ, व्हाई, क्यों कोई पर्सन एथिक्स को फॉलो करता होगा, ये हम इसके अंदर समझेंगे। और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी के अंदर, दैट्स व्हाई दिस बिकम एन इंपॉर्टेंट, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, सारे जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन है वो सारे हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो एक बड़ा कोर्स होने वाला है जिसके अंदर आपको बड़ी नॉलेज मिलने वाली है, एथिक्स तक सीमित नहीं है ये कोर्स, पहले मैंने आपको बता दिया था, इट विल एथिक्स प्लस 250 मार्क्स दैट यू कैन यूज इन द एसे राइटिंग ऑल्सो, धीरे धीरे पता चलेगा हम इसके अंदर। और इसके अंदर हम करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस भी करेंगे, इसके अंदर इंटरनेशनल एथिक्स क्या होता है, ठीक है, हम इसके अंदर जो अभी अपने सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जो भी अभी कोविड का केस है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हमको, मैंने इसको बहुत अच्छे से प्लान करा है किस तरह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, एक सिंगल क्लास से ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वेर ही सेइंग दैट फॉलो योर धर्म, कि अपना क्षत्रिय धर्म को पालन करो और गो एंड फाइट, देन अर्जुन इज सेइंग व्हाई मधुसूदन, देन इट इज नोन एज व्हाट, देन इट इज नोन एज मेटाथिक्स। समझ आ रहा है, डोंट स्टील, कोई ऐसे बोल रहे हैं, देर आर एक कमांडमेंट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, बाइबल के अंदर, तो बोल रहे हैं डोंट स्टील, तो दिस पर्सन विल बोलेगा व्हाई, हु इज ही इज द विजयमाल्या, ही विल से व्हाई, ही विल फॉलो द चार्वाका, चार्वाका व्हाट, चार्वाका इज सेइंग यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घतम पिबत, इसने बहुत अच्छे से सीरियसली ले लिया कि जब तक जियो सुख से जियो और लोन लेकर घी पियो, ऐश की लाइफ लो, लैविश लाइफ को स्पेंड करो,
तो व्हेन समबडी सेइंग डोंट स्टील ही बोलेगा ए व्हाट अ जोक इट इज एंड व्हाई देयर शुड बी सम रीजन फॉर दैट राइट. तो हम ये देखेंगे हम एथिकल प्रिंसिपल को क्या करते हैं. आई थिंक आपको मेटा एथिक्स के बारे में समझ में आया होगा. मेटा एथिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है. दिस इज इम्पोर्टेंट. देखो कंसेप्ट पहले समझ में आना चाहिए तभी आप आगे की चीज करोगे नहीं तो आप रटने लग जाते हो हर चीजों को. मेटा एथिक्स का मतलब ये है कि व्हेन समबडी सेइंग टू यू कि यू शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल्स एंड देन देयर इज अ कॉशनिंग कि व्हाई कि हम क्यों फॉलो करते हैं भाई हम एथिकल क्यों होते हैं. क्या होता है हमारे लिए जिससे कि हम एथिकल्स बनते हैं एथिकल बनने की कोशिश करते हैं अगर नहीं हो तो क्या होगा ये हमको समझ में आना चाहिए. तो दैट इज नोन एज दैट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ और द डायमेंशन ऑफ द ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट इज नोन एज मेटा एथिक्स. इस चीज को हम मेटा एथिक्स कहते हैं राइट. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स इज मींस व्हाट इज बियॉन्ड एथिक्स. मेटा मतलब बियॉन्ड बियॉन्ड एथिक्स. एथिक्स के बाहर क्या है दैट इज नोन एज व्हाट दैट इज नोन एज मेटा एथिक्स. Why ethics exist at all? क्यों ethics, ethical principle को हमको क्यों follow करना है? What is there कि हमको ethical principles को follow करना है? हम नहीं कर रहे ethical principle को तो क्या हो जाएगा? ठीक है? क्यों एक इंसान ethical principles को follow करता है? That is known as meta ethics. तो first of all इस तरह का question आया था UPSC के अंदर. What do you mean by the meta ethics? Elaborate आया था उसका कि या फिर discuss आया था, right? I don't know the keyword. ठीक है? पर इस तरह का question आया था. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या है? आपको कुछ principles follow कर रहे हैं आप, but why you are following the principle? That is known as why ethics exists at all. That is known as meta ethics. Accordingly, the meta ethics can be defined as study of origin and meaning of the ethical concept. कि कैसे origin होंगे ethical concepts और क्या इसके origin है? क्यों ये हुआ होगा? किस तरह से इसके अंदर है? इस सब को study करना है ना? That is known as what? That is known as meta ethics. ये अपना meta ethics. That is the branch of the what? Branch of the ethics in which you are understanding why we are following the ethics. Here, what is the origination of the ethics? क्यों truth ही क्यों बोलना चाहिए? ऐसा क्यों ethics नहीं है कि false बोलना चाहिए? ये सब चीजें हम इसके अंदर देखिए. अब इसके अंदर ये दो sentence आते हैं. इसके अंदर पहला ये आता है, Are we moral because it gives us certain benefits like happiness, honor, connect with the people, or are we moral because we want to avoid punishment, social isolation, or hatred from the fellow human beings? देखिए, कि अब मैं मान लो आपके एक example देता हूँ. हाँ, जैसे सतरूपा बोल रही है, sir, can we say that meta ethics is the reason behind our actions, behind our moral actions? अगर आप बोलोगे ना, तो उसका reason ढूँढना that can be said that the meta ethics, but that is not the accurate definition, right? आप समझने के लिए बोल सकते हैं हाँ अपन इस तरह से ठीक है. तो इसके कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस टू लाइंस. व्हाट इज दिस टू लाइंस? ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ऑनेस्टी को फॉलो करा. ठीक है, दिस इज द एथिक्स. एथिक्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. दिस इज द एथिक्स. ठीक है, मैंने इसको फॉलो करा. अब मैं इसको दो रीजंस के कारण फॉलो कर सकता हूँ बच्चों. एक तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पे करप्शन के चार्ज लग गए ना बच्चों, तो आई विल बी इन द जेल फॉर श्योर. तो मैंने बोल दिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. दूसरा ये रीजन हो सकता है मेरा, मैंने ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी को इसलिए फॉलो करा, मेरा इसलिए ये मोरल एक्शन हुआ क्योंकि इट गिव्स मी हैप्पीनेस. अगर हैप्पीनेस मुझे मिल रही है इससे, मुझे जॉय मिल रहा है, मुझे किसी और से नहीं, मेरे को खुद को अंदर से खुशी आ रही है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मेरी खुशी. ऐसा नहीं कि मैं किसी को दिखाना चाहता हूं कि ये देखो मैं कितना ऑनेस्ट हूं. एक ये तरीका है, दैट इज नोन एज हैप्पीनेस. ठीक है, यहां पे अपन इस वर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट वी मीन बाय द हैप्पीनेस. एक होता है बच्चों वर्ड हैप्पीनेस और प्लेजर. हैप्पीनेस और प्लेजर, ये भी आपको एथिक्स के अंदर समझने की बहुत जरूरत है. यहाँ पे अपन थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, बिकॉज़ अपन को हैप्पीनेस वर्ड को समझना है. एनीबॉडी कैन लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय द हैप्पीनेस बाय द वे. अंजुम, यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर? एनीबॉडी इन द क्लास? हैप्पीनेस इज लाइक हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज हैप्पीनेस. एंड व्हाट इज प्लेजर?
and what is the pleasure difference is between like sort of some physical pleasure type. Physical pleasure type. Okay. Anybody else? Sir, pleasure is temporary and happiness is more existing. Pleasure is temporary and happiness is more existing. ठीक है? Or more permanent, we can say. More consistent, right? Anjum, you want to ask something? You can ask. चलो तो हम समझते हैं कि प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेजर एंड द हैप्पीनेस. दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू कैन यूज इट इन द एसे राइटिंग आल्सो. यू कैन यूज इन द एथिकल कॉन्सेप्ट्स आल्सो और जीएस पेपर्स के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि व्हाट वी मीन बाय द हैप्पीनेस एंड व्हाट वी मीन बाय द दिस हैप्पीनेस और इसके बीच में क्या अंतर होता है ये अपन इसके अंदर समझ सकते हैं. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय इट बाय एन एग्जांपल. मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, ठीक है, एंड यू आर ड्राइविंग इट. ये बहुत आपकी ड्रीम कार थी, ठीक है, आप इसको चला रहे हैं, ठीक है, तो इट विल गिव यू द प्लेजर. ठीक है, मान लीजिए कोई रास्ते में आपने कोई बैगर को देखा, छोटा बच्चा है, भीख मांग रहा है, ठीक है, तो आपने उसको क्या करा, उसको कुछ खाने को दे दिया, इट विल गिव यू हैप्पीनेस. हैप्पीनेस विल कम फ्रॉम द इंटरनल, आपके अंदर से आएगी हैप्पीनेस. इट विल कम फ्रॉम द प्लेजर विल कम फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. जैसे मान लो आपकी कार है, ये प्लेजर. इट विल कम फ्रॉम द एक्सटर्नल. इट इज नॉट परमानेंट. हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट. एक बार आपका कार का एक्सीडेंट हो गया, आपकी प्लेजर चली गई. सॉरी, प्लेजर इज नॉट परमानेंट बिकॉज एक बार कार का एक्सीडेंट आया, कार थोड़ी भी टूट गई, स्क्रैच भी आ गया, तो आप बहुत ही दुखी हो जाओगे. दुख, दुखा, सॉरो. समझ रहे? बट यहां पर आप कभी दुख नहीं हो सकते. यहां पे हैप्पीनेस विल बी परमानेंट. आप जब भी इस मोमेंट को याद करोगे कि आपने जब उसको दिया था और वो कितना खुश हुआ था वो बच्चा, तो यू विल बिकम हैप्पी. सो हैप्पीनेस इज दैट विच कम्स फ्रॉम इनसाइड एंड प्लेजर इज वन विच कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. दैट ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सन ऑल्सो, राइट? तो ये होता है कि हमें जब हैप्पीनेस वर्ड को यूज कर रहे हैं, दैट हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर दिस वन. प्लेजर वर्ड को यूज कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट मीनिंग. दैट इज हैविंग डिफरेंट मीनिंग. तो यूज योर वर्डिंग्स कॉशियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इन एग्जामिनेशन. डोंट राइट हैप्पीनेस जहां पर आपको प्लेजर लिखना है और प्लेजर जहां पर आपको हैप्पीनेस लिखना है. तो देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ बैक टू अवर टॉपिक. ठीक है, इसको हम बहुत सारी चीजों के अंदर पढ़ेंगे. हम इंडियन फिलोसफी की तरफ से भी पढ़ेंगे, उस डायमेंशन में भी लेकर जाएंगे. जब इसकी जरूरत होगी हम इसको यूज करेंगे. अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर. इनके बीच में बहुत बड़ी वाली डिबेट है अपनी जो 15-20 मिनट तक के लिए चलेगी, राइट, आने वाले लेक्चर्स के. आर वी मोरल बिकॉज इट गिव्स अस सर्टेन बेनिफिट्स लाइक हैप्पीनेस, ऑनर, कनेक्ट विद द पीपल. क्या इसलिए हम हैं, या फिर क्योंकि हम डर रहे हैं कि कहीं हम करप्शन करें तो सोशल आइसोलेशन में हम नहीं चले गए, क्या इसलिए होते हैं हम? ये चीजों का सवाल का जवाब देना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मेटाथिक्स. ठीक है, इन चीजों के बारे में सोचना. तो अब हम ये समझते हैं कि व्हाई वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स. ठीक है, हमको अच्छा प्रिंसिपल ऑफ गुड को क्यों फॉलो करना होगा आपको. ठीक है, व्हाई वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस. ठीक है, तो पहला जो थॉट है वो ये होता है कि मैन आर इनहेरेंटली सेल्फिश. मैन सेल्फिश होता है इनहेरेंटली. इसका ईगो सेटिस्फाई होता है. अगर ये एथिक्स फॉलो कर रहा है तो इसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है कि लोग इसको बोल रहे हैं यार व्हाट काइंड ऑफ एथिकल पर्सन ही इज एंड हिज ईगो गेट इन्फ्लेटेड. वाओ, जैसे हम अपने अगर इसमें देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी को आपने देखा होगा, जब भी वो डिबेट करते हैं ना तो वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा करा, और बहुत खुश होते हैं, उनके अंदर से निकलता है ईगो कि मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया, मैं एथिक्स के प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं, मैंने बट इस पर्सन के साथ ऐसा करा और उसको इस तरह से कर दिया है. ठीक है, क्योंकि आई एम सो एथिकल. सी, आई एम सो एथिकल, उनकी वर्डिंग से ऐसा लगता है कि ही इज सेइंग दैट आई एम सो एथिकल. इट इज सेटिस्फाइंग देयर ईगो. तो हम एथिक्स को इसलिए फॉलो करते हैं. मेटा एथिक्स ऐसे बोलता है, एक थॉट मेटा एथिक्स का, दैट इज फर्स्ट थॉट इगोइज्म. वो ऐसे बोलता है कि टू प्लीज
अपने आप को ourselves to please ourselves we are doing what we are doing the ethics we are following the principle of truth a principle of goodness principle of ethics when we are speaking truth then we are hearing from behind that somebody is saying what a truthful person he is and that's why this is giving our boost to our ethical principle यहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें हम पकड़ पकड़ के प्रशंसा कराएंगे लोगों से यार देखो मैं कितना ऑनेस्ट हूँ और क्या तो उसको इंसिडेंट बताएंगे कि देखो मैंने उस वक्त ऐसे मेरे को दिया था ब्राइब मैंने लिया नहीं क्यों बता रहे हैं आप क्योंकि सामने वाला बोला वाह भाई तुमने लिया नहीं इसलिए कि वाह हाउ ऑनेस्ट यू आर तो एक थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट मेटाफिजिक्स के अंदर ये बोलता है कि इगोइज्म इज द रीजन बिहाइंड दैट वन Egoism ये रीजन है क्योंकि तुम क्या हो क्योंकि तुम बहुत ही egoistic होते हो तो तुम क्या करते हो तुम ethical हो तो अपने ethics को ego को ज्यादा ऊपर रख रहे हो और ethics को बाद में देख रहे हो तुम्हारा कोई ऐसा चीज होगा जो तुम्हारा ego satisfy नहीं कर रहे हो तो तुम ethics को छोड़ भी दोगे जैसे मान लीजिए अगर करप्शन के अगेंस्ट में लड़ना है ठीक है इफ मान लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी का अगर एग्जाम्पल ले तो उसके अंदर हो सकता है यहाँ पे कोई फैन बैठा हो सुब्रमण्यम स्वामी का सो मतलब वैसे आप ऑफेंडेड फील मत करिएगा जस्ट एग्जांपल की तरह मैं यूज कर रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए ठीक है यहाँ पे हम मोदी जी को भी लाएंगे राहुल गांधी को भी लाएंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर कोई इस तरह के पर्सन हो ना तो डोंट टेक इट एज ए ऑफेंस स्टेट मैं किसी को मेरा मेन पर्पज ये रहेगा मेरे को कुछ भी करना पड़े आपको समझाना है ठीक है चाहे किसी की भी चाहे मेरे को खुद की बुराई करनी पड़े मेरे को आपको समझाना है कॉन्सेप्ट और मेरा कोई पर्पस नहीं रहता और इन सब चीजों से अच्छे से समझ जाता हूं दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ एग्जांपल सो इतने मैच्योर तो आप बने कहीं ऐसे कमेंट ना करें कि सर हाउ डेयर यू हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में ऐसे कह दिया सर कांग्रेस अच्छी है और ये सब चीजें इन सबको छोड़ो इन सबसे ऊपर उठो और समझने की कोशिश करो क्या कंसेप्ट है ठीक है तो ये ऐसे कमेंट्स आते हैं इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ठीक है मतलब ऐसे डायरेक्टली तो कोई नहीं बोलता है ठीक है कभी मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ अकेडमी पे तो आते हैं राइट That's why I'm saying कि अगर आप लोगों के अंदर ऐसी इतना भी maturity नहीं है तो please don't attend the class because how can I make you explain for this one? चलिए वापस back to topic. तो अगर मान लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी को इतना ही corruption के against में करना है तो इतना सारा corruption prevail है why he always taking the cases that are having what? That is having some big personalities behind that. ठीक है big personality के ऊपर ही case क्यों लेते हैं because it will satisfy their ego. बहुत लोगों को पता चलेगा एक साथ news फैल जाएगी सब ठीक है इस पर्सन को क्या करा इस पर्सन के लिए उन्होंने इस तरह से बोला है तो न्यूज़ फैल जाएगी तो आप अपने आप को प्लीज करने के लिए क्या करते हैं इगोइज्म करते हैं ये आपको लिखना था उसके अंदर एग्जाम के अंदर जब मेटाएथिक्स पे क्वेश्चन आया तो लोगों को पता नहीं था व्हाट वी मीन बाय द मेटाएथिक्स मेटाएथिक्स का भी नहीं पता था लोगों को तो वो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया था उस टाइम पर ठीक है दे डू एवरीथिंग टू प्लीज देमसेल्फ राइट इवन व्हेन दे आर हेल्पिंग अदर्स डूइंग चैरिटी और सोशल वर्क द रियल पर्पस इज टू सेटिस्फाई देयर ओन खुद परोपकार करना परोपकार मतलब अपने फिलोसफी के अंदर ऐसे कहा है कि आप अगर एक हाथ से दे रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए ये होना चाहिए परोपकार का मतलब ठीक है दैट शुड बी द मीनिंग ऑफ परोपकार दैट इज नोन एज अल्ट्रुइज्म जो आप सच में कर रहे हैं पर आप पूरे न्यूज चैनल्स को बुला रहे हैं ठीक है न्यूज चैनल्स को बुलाकर आप क्या कर रहे हैं आप शो ऑफ करके ये सब चीजें कर रहे हैं ठीक है तो जैसे मिर्जापुर सीरियल के अंदर ही मिर्जापुर पार्ट सेकंड मैं मिर्जापुर का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सभी देख लिए हैं उसको मिर्जापुर पार्ट सेकंड के अंदर जब मुन्ना भैया की शादी हो रही होती है ठीक है तो उनके पिता बोलते हैं सादगी से शादी करेंगे और सेकंड सेंटेंस उनका होता है सारी मीडिया आना चाहिए तो मीडिया आना चाहिए इसका मतलब क्या है मीडिया के सामने दिखे सबको कि देखो कितनी सादगी से शादी की गई ईगो सेटिस्फाई होगा बेनिफिट होगा ठीक है तो दैट इज वाउ दैट इज द थिंग राइट ये इंपॉर्टेंट थिंग है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टू सेटिस्फाई योर ईगो हम एथिकल होते हैं हम एथिकल इसलिए होते हैं क्योंकि हमको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है एक थॉट ऐसा बोल रहा है दिस इज वन थॉट ऑफ द मेटाएथिक्स मेटाएथिक्स का एक थॉट ये है ठीक है दूसरा थॉट क्या होता है अल्ट्रुइज्म का ठीक है दूसरा थॉट अल्ट्रुइज्म का है कि ये थॉट ऐसे बोलता है देखो मैन बाय इट्स वेरी नेचर इज सोशल बीइंग है ठीक है मैन को मजा आता है किसी की हेल्प करने में व्हेन ही इज हेल्पिंग समवन ही इज फीलिंग हैप्पी गेटिंग इट कि अगर वो हेल्प कर रहा है किसी की तो उसको मजा आ रहा है उसके अंदर एलिमेंट्स है क्योंकि ह्यूमन बीइंग बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट
कि गांधी भी बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट, ही इज मोरल, ही इज काइंड, ही इज पीस लविंग पर्सन, पीस लविंग ऑर्गेनिज्म, पीस, ही वांट टू मेंटेन सोसाइटी के अंदर हार्मनी, ही वांट टू लिव टुगेदर, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. तो मैन इज ए सोशल बीइंग, वो ऐसा नहीं है, ऐसा एक सेंटेंस है, देखिए, मैन इज अ कॉन्टिनेंट नॉट एन आइलैंड. कोई भी बच्चा सिंपल सा सेंटेंस है, इसका मीनिंग बता दे, कोई भी, एनीवन, उज्जवल, यू कैन सॉल्व दिस वन. मैन इज ए कॉन्टिनेंट नॉट एन आइलैंड, व्हाट डज इट मींस, उज्जवल? मतलब सर, इट सेज दैट मैन कॉन्टिनेंट है, आइलैंड नहीं है. हाँ, तो इसका मतलब क्या है? हिंदी में थोड़ी ना करने को बोला है. काजल वांट टू आस्क, काजल वांट टू से, प्लीज काजल. इसका मतलब ये है कि मैन जो है वो अकेले, मतलब मैन जो अकेले नहीं रह सकता, वो हमेशा ही मतलब लोगों के साथ रहना चाहता है. कि मैन इज अ सोशल बीइंग, है ना, वो ऐसा नहीं रहना चाहता कि वो सेल्फिश है, अकेला रहना चाहता, ऐसा नहीं. मैन इज अ सोशल बीइंग, ऐसे अल्ट्रुइज्म वाले से बोलेंगे. मैन इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, साथ लेके चलना चाहता है, सबको साथ लेकर चलना चाहता है. वेरी गुड, मतलब ऋषभ बोल रहे हैं सबको साथ लेकर चलना चाहता है, ठीक है. मैन, तो मैन इज अ सोशल बीइंग, तो मैन का बेसिक नेचर ये है कि उसको अल्ट्रुइज्म करना है, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग द अल्ट्रुइज्म, ठीक है. तो इसलिए वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है. That's why he is following the principles of the ethics. Ethics के principle को इसलिए वो फॉलो कर रहा है, because उसको altruism करना उसकी basic characteristic है, उसका basic essence है man का, right? तो man by its very nature, ये thought ऐसे बोलता है altruism का thought, man by its very nature is benevolent, moral, kind, peace loving, harmonious, ठीक है, mutual coordination से रहना चाहता है वो. Plurality होती है society में, तब उसको मजा आता है, जितना diversity होता है उतना मजा आता है society के अंदर, and he want to live happily in the society. That's why he is following the principles of what? Principles of ethics. Helping others. We should help other. Okay. So he is following that principle because it is giving that satisfaction to him. That is inner satisfaction to him. Egoism is something that is outside. Egoism se tumko pleasure aa sakta hai, happiness ko bhi nahi aa sakta. Agar tumhara ego satisfy kara hai kisi cheez ne, to tumko pleasure aa sakta hai, happiness nahi aa sakta. क्योंकि कल को वही बंदा तुमको रिमूव कर दे, अब्यूज कर दे, तो तुम्हारा सारा ईगो क्या हो जाएगा, तुम्हारी सारी प्लेजर जो होगा वो चला जाएगा. बट व्हेन यू आर हेल्पिंग समवन, देन इट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, दैट इज अल्ट्रुइज्म. सो दिस इज द रीजन वी वांट टू फॉलो द एथिक्स. मैंने पूछा ना क्यों हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, कि स्पीक ट्रूथ, जैसे हमने बोला, ठीक है, जैसे वो बूढ़े अंकल बोल रहे थे स्पीक ट्रूथ, हमने बोला बटवाए, तो अल्ट्रुइज्म वाले बोलेंगे एक बार बोल कर देखो अच्छा लगे, it will give you happiness, that's why. Respect your elders, humne bola but why should I respect my elders, aapse zyada kama rahe hain, aapne jitni zindagi mein kamaya uska ek saal mein hum kama lete hain, aise bolne lag jao, maan lijiye aap, why should I respect you, aapse zyada qualified hain, why should I respect you. Altruism wale bolenge karke dekho acha lagta hai. Egoism wale kya bolenge, Rishabh, egoism wale kya bolenge isme? Why should I respect my elders, Rishabh? Sir, egoism वाले question करेंगे कि क्यों कर रहे हैं हम लोग. हाँ, क्यों कर रहे हैं, तो उसको answer क्या देंगे egoism वाले? Egoism वाले ये answer देंगे कि तुम जैसे पैर छोगे ना अपने parents के, तो बाकी के सारे लोग बोलेंगे वाह भाई क्या बेटा मिला है, बिल्कुल श्रवण कुमार. और तुम्हारा ego जो होगा वो inflate होगा. Egoism वाले ये बोलेंगे, that's why you are what? You are respecting your elders. प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स बिकॉज ही वॉन्ट टू सेटिस्फाई हिज ईगो, बिकॉज अदर पर्सन विल से हाउ ऑनेस्ट इज, हाउ एथिकल इज, और उसमें उसको मजा आता है. ये एक थॉट है, ये एक फर्स्ट नंबर का थॉट है, इसके जस्ट अपोजिट है, ऐसा नहीं है. मैन बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग द एथिकल प्रिंसिपल, ही इज फॉलोइंग द एथिकल प्रिंसिपल. इट
इज दिस ओके टू एवरीवन? राइट, तो किसी को अगर डाउट है तो प्लीज आस्क मी. मोनल समझ में आ गया आपको? मोनल ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया ये. तो हम ये समझ रहे हैं एल्ट्रुइज्म क्या है. मैन इज अ सोशल एनिमल. ठीक है, ही कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग अलोन. ठीक है, ही इज नॉट आइलैंड, इज कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट यू फील एम्पैथी एंड सिंपैथी. उसको हम क्या है, हम ऐसे बींग है, ये हमारा बेसिक नेचर है एम्पैथी फील करना. अगर कोई दुखी हो रहा है तो हमको उसके साथ दुख फील होता है. ठीक है, कि जैसे इवन ये देखो, जब आपको मूवी देख रहे हैं आप, ठीक है, और जब हीरो की मार पड़ रही होती है तो कई कई लोग क्या होते हैं, रोने लग जाते हैं. जब तुमको ये पता है कि मूवी है भाई, रियलिटी नहीं है. सलमान खान को कोई नहीं मार रहा है, तो बॉडीगार्ड है तो सर कोई नहीं मार रहा है रियलिटी के अंदर. और यू आर फीलिंग अ व्हाट, क्यों हो रहा है ये? बिकॉज यू आर फॉलोइंग द प्रिंस, बिकॉज यू आर वेरी बेनिवोलेंट फ्रॉम वेरी फ्रॉम योर हार्ट. ठीक है, बाय नेचर यू आर वेरी बेनिवोलेंट. जब हीरो को मार पड़ती है तब आपको अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज व्हाट, दैट इज द एथिकल थिंग, कि हीरो ने गलती करी है, उसको पनिशमेंट मिला, रिवार्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी हो रही है, जस्टिफाई, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी, आप क्लैपिंग भी करते हैं. और वो तो रियलिटी है भी नहीं, दैट इज फार फ्रॉम रियलिटी. वो एक्टिंग है जो किसी स्पेस एंड टाइम में हुई थी, और वो उस स्पेस एंड टाइम के बाद आपको कहीं पर्दे पे दिखाई जा रही है, फार फ्रॉम द रियलिटी. एक दो महीने बाद आपको पर्दे पे दिखाई जा रही हो, टाइम भी लैप्स हो गया यहाँ पर. तो इन दिस केस वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन, कि एल्ट्रुइज्म, ठीक है, एल्ट्रुइज्म इज व्हाट, दैट इज ड्राइविंग अस टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स. एल्ट्रुइज्म इज अ ग्रेट वर्च्यू इन मेनी कल्चर्स एंड अ कोर एस्पेक्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशनल एंड सेकुलर वर्ल्ड व्यूज. ठीक है, दिस इज द एल्ट्रुइज्म. व्हेन वी सी इनजस्टिस इन द वर्ल्ड, जब हम इनजस्टिस देखते हैं बच्चों वर्ल्ड के अंदर, देन वी फील पेन ऑफ दिस वन. ये हमको पेन देता है. ठीक है, तो हम इसके कारण क्या करते हैं, हम एथिक्स को फॉलो करते हैं. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, इगोइज्म. ठीक है, इगोइज्म में हम अपना ईगो सेटिस्फाई, इगोइज्म थॉट वाले बोल रहे हैं कि आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तुम एथिकल हो रहे हो, कि वाओ यार कितना अच्छा यंग यंग पर्सन है, किसने डॉरी नहीं ली बताओ. और वो अंदर से सोच रहा है यार थोड़ा ले लेता तो ठीक रहता, और फिर उसको तीन जनों ने और बोल दिया तो उसका ईगो इन्फ्लेट हो गया. वो अपने भाई को भी बोलेगा भाई तू भी मत ले. तो दैट इज इगोइज्म, और ये है एल्ट्रुइज्म. दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स. अब बात ये आता है कि इगोइज्म जब तुम फॉलो करते हो ना, तो दैट इज नॉट परमानेंट. दैट इज नॉट परमानेंट. इगोइज्म इज नॉट परमानेंट. ईगो तुम्हारा कहीं टिक नहीं सकता. ईगो इज नॉट परमानेंट एट ऑल. इसको डिस्ट्रॉय होना ही है. Because this is not your part of your life. This is not your part. Philosophy वाले समझ रहे होंगे बच्चे जो पढ़े कि this प्रकृति है ना, तो वो आपका part ही नहीं है. तो egoism टिकना ही नहीं है कभी last के अंदर. देखो egoism जैसे है कि जैसे मान लीजिए कि अगेन मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर का अगर अपन एग्जाम्पल लें अगेन, तो बोलते हैं कि एक सीन होता है जिसके अंदर क्या होता है, मकबूल और ये जो अपने होते हैं त्रिपाठी जी, ठीक है, मकबूल और त्रिपाठी जो होते हैं वो कार में बैठे होते हैं, और मकबूल बोलते हैं कि सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं सब आपको. बोलते हैं रेस्पेक्ट नहीं करते, ये डरते हैं. जिस दिन डर खत्म उस दिन रेस्पेक्ट खत्म. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो जानता है, वो पर्सन वो रियलिटी जानता है त्रिपाठी. ठीक है, तो उसको इस तरह से आपको इसके अंदर देखना है. राइट, तो हम ऐसे समझ रहे हैं कि एल्ट्रुइज्म और ईगो में क्या डिफरेंस है, ये आपको दिखना है. देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटा एथिक्स, तो आप ये सब चीजें लिख भी नहीं पाएंगे. दैट्स व्हाई इसको हर चीज को हमको प्रैक्टिकलिटी पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने होते हैं. एंड आई एम सेइंग दैट एग्जाम्पल हो सकता है आपको थोड़े से लगे कि यार क्लास के अंदर आईएएस की क्लास में ये कैसे एग्जाम्पल है, बट दिस इज माय स्टाइल ऑफ टीचिंग. मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा आपको जिससे कि मेरा ये पर्पस है. मेरा ये पर्पस नहीं है कि मेरी वो आपको आपके सामने बहुत अच्छी इमेज बनानी है मेरे को. ठीक है, मेरा ये पर्पस है कि आपको ये क्या करना है, आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, ये थ्योरी आपको समझ में आ जानी चाहिए. अगर आप रिवाइज भी करें तो रिवाइज में भी वो एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में उतरेंगे, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम के अंदर है ना बच्चों बहुत प्रेशर होता है, जस्ट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और स्पेस और टाइम दोनों की कमी होती है. ठीक है, कॉपी के अंदर स्पेस भी कम है और टाइम भी कम है तुम्हारे पास. ठीक है, तो उस वक्त अगर तुम इस तरह से नहीं पढ़ोगे ना तो रट के जाओगे, तो वो तो इवेपोरेट हो जाएगा दिमाग के अंदर से. ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोशन. ये थर्ड डायमेंशन है, ये थर्ड
सेट ऑफ पीपल है वो ये सोचते हैं कि इमोशंस है ना, इसलिए हम क्या होते हैं, इसलिए हम एथिकल होते हैं, हम इमोशनल बीइंग है, ह्यूमन इज ए इमोशनल बीइंग। तो देख रहा है कि कोई क्या है, कोई भिखारी दिखा उसको, ठीक है, ही इज सीइंग सम बैगर, तो उसका इमोशन स्टार्ट हो जाएगा, पर ही विल गिव व्हाट ही विल इन द फ्लो ऑफ द इमोशन ही विल गिव हिम द 100 rupees। इमोशन के कारण क्या होता है, इमोशन के कारण हम एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते हैं। तो एक पर्सन है बहुत संकट में है, ठीक है, तो आप एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर लोगे, उसकी हेल्प कर दोगे इमोशंस के अंदर, कई एक सेट ऑफ थॉट ऐसे बोलता है। तो हमने देखा मेटा एथिक्स जो है, मेटा एथिक्स इज बियॉन्ड एथिक्स, मतलब कि ये एथिकल प्रिंसिपल है, बट व्हाई दिस प्रिंसिपल, वी आर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, दैट इज नोन एज मेटा एथिक्स, ठीक है। इसके अंदर हमने पहला थॉट पढ़ा, पहला स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा, दैट इज इगोइज्म। इगोइज्म मतलब क्या है कि वी आर फॉलोइंग द एथिकल प्रिंसिपल्स बिकॉज इट सेटिस्फाई अवर ईगो। सेकंड हमने जो थॉट पढ़ा, सेकंड थॉट इज व्हाट, इगोइज्म के बाद हमने पढ़ा एल्ट्रुइज्म, बिकॉज मैन बाय इट्स वेरी नेचर, दूसरे सेट ऑफ पीपल है जो ये सोच रहे हैं, दूसरे फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैन बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट, दैट इज महात्मा गांधी इज थिंकिंग लाइक दैट, कि अंग्रेज कितने भी क्रूअल है तो ह्यूमन बीइंग, तो अंग्रेजों का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। अगर मैं सत्याग्रह करूंगा, अगर मैं भूखा बैठूंगा तो अंग्रेजों की आत्मा पिघलेगी और वो हमको ये कानून बनाकर दे देंगे। ये है हंगर स्ट्राइक का बेसिक, गांधी का, कि अगर मैं यहां पर हंगर स्ट्राइक करूंगा ना तो अंग्रेज पिघलेंगे। चेंज ऑफ हार्ट टैक्टिक्स ऑफ महात्मा गांधी, यार देखो कितना बूढ़ा आदमी है और कितना परेशान हो रहा है, भूख हड़ताल पे मर मरा ना जाए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये लॉ बना देते हैं। दैट इज व्हाट बेसिक ऑफ नॉन वायलेंस प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, अदरवाइज हाउ ही कैन फाइट विद द माइटी ब्रिटिशर्स विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो ये क्या है, अल्ट्रुइज्म, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट, दैट इज नोन एज व्हाट, अल्ट्रुइज्म। यस प्लीज ऋषभ, यू वांट टू आस्क समथिंग, ऋषभ, अंजुम, यू वांट टू आस्क समथिंग, सर ये सर हमेशा ये वाला होता है, ये बैगर वाला, मेरे साथ सर हमेशा ऐसे होता है, मैंने अगर किसी को पैसे दिया, हाँ तो अगर मैंने सर किसी को अगर पैसे दियो बैगर को ऐसे, तो मेरे साथ ऐसे नहीं होता कि मैं उसको देना चाहता हूँ, मेरे साथ वो थॉट होता है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर मैंने उसको नहीं दिया, मैं घर जाके फिर सोचूंगा यार मैं उसको दे दिया होता तो अच्छा रहता, तो वो थॉट से बचने के लिए सर मैं उसको दे देता हूँ हर बार। अब सबको ऐसा होता है, ठीक है, यही अल्ट्रुइज्म वाले बोल रहे कि भाई तुम बेनिवोलेंट हो, नहीं करोगे ना तो आत्मा कचोटेगी तुम्हारी जाकर घर पे। यस अंजुम, सर आपने इमोशंस के बारे में बताया कि सर वो तो इमोशंस एक सिचुएशन होती है जिसमें हम एंगर, नफरत या मोहब्बत किसी के लिए पैदा कर सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उस सर अगर हमने एंगर किसी के लिए पैदा कर लिया तो फिर उससे तो हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स हमारे सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे ना। सो बट हियर वी आर, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि एथिक्स को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, ऑन द मतलब इन द फ्लो ऑफ इमोशंस वी आर फॉलोइंग द एथिक्स, ठीक है। इमोशंस वहां पर जो आ रहे हैं ना, यहाँ पर जो आ रहे हैं पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं, यू आर वेरी राइट दैट इमोशन, एंगर इज ऑल्सो इमोशन, बट यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि इमोशंस जो है ना, यहाँ पॉजिटिव इमोशन आ रहे हैं इसलिए हम एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई यू आर फॉलोइंग द एथिक्स, और आप ऐसे बोलोगे कि क्योंकि हम इमोशनल हो जाते हैं कभी कभार इसलिए हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा लेकर ही नहीं आएंगे कि हम एंग्री हो जाते हैं इसलिए हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। अंजुम करेक्ट है, ओके सर, तो हम ये समझो इमोशनल है इसलिए हम कर देते हैं, पर इमोशन है ना ज्यादा देर तक टिकते नहीं है, इमोशन तो खत्म हो जाता है, इमोशन इज नॉट कंसिस्टेंट, इमोशन कंसिस्टेंट नहीं होते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे एक अलग थॉट आता है, भाई इमोशन तो कंसिस्टेंट होते नहीं, मान लीजिए ऋषभ दे के आ गए 100 rupees, अब घर पे आके सोच रहे हैं 50 rupees दे देते तो ठीक था, 100 rupees तो यार मेरा ही हो सकता है कि मेरे को ही किसी से मांगने पड़ जाए फिर पैसे, सब सोच सकते हैं। इमोशन उस वक्त इमोशन है, इन द वर्ड्स ऑफ इमोशन यू आर गिविंग हिम द 100 rupees, हो सकता है 500 rupees भी दे दिए, घर पे आगे सोच रहे हैं इतना भी नहीं देना चाहिए था। समझ में आ रहा
कभी कभार क्या होता है जैसे यहाँ पे जैसे मैं आपका अपना एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान में अभी बैकएंड पे बहुत सारी टीम काम करती है ना, तो बैकएंड पे जो टीम काम करती है ना, कभी मैं कभी उन्होंने अच्छा काम कर दिया तो इमोशनल हो जाता हूँ मैं, सैलरी बढ़ा देते हैं, फिर थोड़े अगले महीने सोचता हूँ यार नहीं बढ़ानी चाहिए थी, जल्दी बढ़ा दी सैलरी, तो इमोशनल है क्योंकि फिर वो काम करना बंद कर रहा है, उसको लग रहा है कि अरे और वो अब एक्सपेक्टेशन हो रही है उसको। यस यस एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग? अंजुम यू वांट टू आस्क समथिंग? नो सर क्लियर हो गया। So that is what, that is the emotion, है ना? Clear तो आपको हो ही जाएगा, last तक तो clear हो ही जाएगा, है ना? इतना example अपन use करें, तो ethical assessment involves our emotions, ठीक है, and not our reasons. ये एक school of thought बोल रहा है. Ethical emotions provide the motivation, ठीक है, motivational force, the power and the energy to go do the good things and to avoid the doing bad things. We do what we'll to do, right? हाँ, हम वो चीज करते हैं जो कि हमको लगता है कि हमको करना चाहिए. सतरूपा please ask the question. सतरूपा सर, इमोशंस में आपने जैसे बोला किसी बेगर को देख के दुख लग गया, फिर हमें उसको 100 रुपीज दे दिया, लेकिन देने के बाद मतलब खुद पर खुद तो अच्छा भी लगता है, तो वो एल्ट्रुइज्म का पार्ट, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो एल्ट्रुइज्म हो जाएगा सर। दोनों एक ही को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब इमोशंस एंड एल्ट्रुइज्म इज डिफरेंट। देखो ये स्कूल ऑफ थॉट है, इगोइज्म कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कोई फिलोसोफर सेट ऑफ फिलोसोफर बोलेगा इगोइज्म के कारण हम कर देते हैं, ए टाइप के लोग हैं। बी टाइप के लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इगोइज्म के कारण नहीं करते हम, एल्ट्रुइज्म के कारण कर देते हैं, बिकॉज बाय वेरी नेचर वी आर क्या, वी आर बेनिवोलेंट, लव लवफुल, ठीक है, पीस केयर और ये सब हैप्पीनेस हमको होता है, ठीक है। सी जो सेट ऑफ पीपल है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं इमोशन के कारण कर देते हैं, हम होते नहीं ऐसे पर हम इमोशन के अंदर बहक जाते हैं और हम कर देते हैं कभी कभार, तो हमको जो लगता है उस वक्त हम कर देते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द, अगर आपको इमोशंस क्या है, इमोशन चेंज हो जाएंगे आगे जाकर, इमोशन चेंज हो जाएंगे आपके, आपको लगने लग जाएगा कि यार क्यों कर दिया, इमोशनल होकर दे दिया यार उसको, ठीक है। एल्ट्रुइज्म में ऐसा नहीं लगेगा, एल्ट्रुइज्म में ऐसा नहीं लग रहा है, समझ रहे सर? इज दिस क्लियर? किसने पूछा? अंजुम ने, सतरूपा ने पूछा था, राइट? यस सर, क्लियर सर। ओके फाइन, तो ये हमको इसके अंदर समझना है कि ये सब चीजें हैं। तो अब इमोशंस के जो अगेंस्ट में बोलते हैं नहीं नहीं इमोशंस का पर्सपेक्टिव नहीं होता है, इमोशंस का पर्सपेक्टिव नहीं होता है, इमोशंस के अगेंस्ट में जो बोलते हैं वो ऐसे बोलेंगे, देखो बच्चों कि देखो इमोशन तो आते जाते रहते हैं, अब ऐसा भी क्या चीज की जिसके ऊपर तुम पछता रहे हो, ठीक है। जैसे ऋषभ गए, ऋषभ ने 1000 रुपीज दे दिए, घर आके सोच रहे हैं ज्यादा ही दे दिए, ठीक है, अब तो हमको भी कहीं से लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो चीज होती है ना, दैट इज इमोशन। एक आपने परोपकार किया, आप सोच ही नहीं रहे उसके बारे में, दे दिए ना, दैट्स ओके, that is altruism. Just try to understand the difference, ठीक है। एक आता है reason. Reason वाला thought क्या बोलता है? ये ऐसे बोलेगा कि देखो ऐसा नहीं है कि emotions जो हैं वो तो क्या है? That are momentary. That are not permanent. That are momentary. Emotions are momentary. तो किसी को भी ethical होगा ना तो उसका कोई reason होना चाहिए उसके पीछे. That should be solid. Reason should be there. Ethics होने के लिए. अगर इमोशन में किया हुआ काम तो मतलब इमोशन वाला आदमी तो कितने देर एथिकल रहेगा, अगले दिन उसको लगने लग जाएगा यार गलत हो गया है, इमोशन के अंदर हो गया, बट देयर शुड बी सम पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट वन। एथिकल होने के लिए रीजन चाहिए, ये एक अलग सेट ऑफ पीपल है दैट दे आर सेइंग द एथिकल होने के लिए एक रीजन चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि देखो जैसे इसके अंदर ये है, ये आप सबको दिख रहा होगा, इसके देखो इसको लग रहा है इसने क्या करा है, ये एक पर्सन है, इस पर सिचुएशन समझो, ये एक पर्सन है, इसने क्या करा है, इसने इसको क्या करा है, ब्राइब दी, ठीक है, इस पर्सन को ब्राइब दी और इसने लिया, इसने नहीं ली ब्राइब, तो ये क्या सोच रहा है, हाउ ऑनेस्ट ही इज, कितना ऑनेस्ट है, वाओ कितना ऑनेस्ट है, आज के जमाने में भी इतना ऑनेस्ट है। और इसने ब्राइब क्यों नहीं ली, क्योंकि इसके पास रीजन है, कोई क्या रीजन है, इसको पता है अगर मैं ब्राइब लूंगा, अगर मैं करप्शन करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा या फिर मेरा सोशल बायकॉट हो जाएगा, इसलिए इसने नहीं ली। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट वन, एक रीजन है उसके पीछे, ठीक है। तो रीजन का मतलब क्या होता है, रीजन ऐसे बोलते हैं, देखो इमोशंस आर नॉट परमानेंट, तो इमोशन से जुड़े हुए एथिक्स भी परमानेंट नहीं होंगे, इमोशन चेंज एथिक्स विल चेंज। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दे आर सेइंग इज दैट All moral action can be derived by the reason. जो moral actions होंगे ना उसके लिए reason चाहिए होगा,
कुछ कारण होना चाहिए जिससे कि ह्यूमन बीइंग को कंपेल करे. ह्यूमन बीइंग अपने आप नहीं कर सकता, करेगा तो वो परमानेंट नहीं रहेगा. कि तुम हमेशा ऑनेस्ट नहीं हो सकते. देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी, देयर शुड बी सम रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड ऑन यू एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट शुड बी देयर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. दैट विल मेक यू एथिकल. आर यू गेटिंग दिस? दैट विल मेक यू एथिकल. ये बोलते हैं एक ऑब्जेक्टिवली डिफाइन चीज होनी चाहिए. अगर तुम एथिक्स के प्रिंसिपल से वायलेट हुए, अगर तुम धर्म के प्रिंसिपल से वायलेट हुए, तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसी. तुमको कॉन्सिक्वेंसी झेलनी पड़ेगी. यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसी इफ यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स. दैट इज रीजन. तो अब आपका दिमाग चलेगा, मेरे को एथिक्स के प्रिंसिपल इसलिए फॉलो करना है बिकॉज ये एक रीजन है इसके पीछे. तब आप क्या करोगे? तब आप एथिकल हो जाओगे. ये वाले सेट ऑफ पीपल, ये फिलोसफर्स जो होंगे वो रीजंस को बताते हैं. अभी हम बताएंगे बाद में चलकर आपको कि क्या. अभी आपका बेस क्लियर हो रहा है बस, फिर इसमें फिलोसफर डालेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. तो इमोशंस आर नॉट परमानेंट, ठीक है? तो ऑल मोरल एक्शंस कैन बी डिराइव बाय द रीजन. तो रीजन की रिक्वायरमेंट है इसके लिए. इमोशन से काम नहीं चलेगा. रीजन आर ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है? ट्रू एथिक्स आर गाइडेड बाय द रीजन रेदर देन इमोशंस. ट्रू एथिक्स जो होंगे ना वो रीजन से गाइडेड होंगे, इमोशन से नहीं होंगे. बच्चों इन सब के पीछे है ना, सबके पीछे एक बड़ा थॉट है, बहुत बड़ा थॉट है जो अपन फिलोसफी के अंदर पढ़ते हैं, पर वो फिलोसफी ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, ठीक है? कि ये जो बोला है ना, ये किसी ऐसे पर्सन ने बोला, ये डेविड ह्यूम ने बोला है, और उसके पीछे फिलोसफी देते हैं अपनी, पर वो फिलोसफी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला जाता है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा. हम अपने सब्जेक्ट के अंदर जब डेविड ह्यूम पढ़ेंगे तब तो वो होगा ही. वो मतलब जो सॉरी फिलोसफी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, जब अपन फिलोसफी के स्टूडेंट जो यहाँ पे बैठे हैं, जब अपन डेविड ह्यूम पढ़ेंगे तब वो अपन उसके अंदर देखेंगे कैसे ये इंटरलिंक्ड है, कैसे थ्योरीज से इंटरलिंक है, जो उनकी एपिस्टेमोलॉजी है उससे इंटरलिंक है ये कॉन्सेप्ट कि ट्रू एथिक्स आर गाइडेड बाय द रीजन. एथिक्स में आपको इतना ही पढ़ाया जाता है कि ये चीज है, ये इसने डेविड ह्यूम लिखी, पर क्यों कही है ये आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है. यस मोनल, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. बोल रहे हैं कि रीजन और इमोशन ये दो अलग बातें हो गई, राइट? बट अगर हम वो एग्जांपल ले दैट हमें एक बेगर दिख रहा है तो एंड ही इज फिजिकली डिसेबल्ड, तो दैट इज अ रीजन कि हमें फिर लगता है कि नहीं यार वो थोड़ा हाथ नहीं है उसका या फिर कुछ है. नहीं, दैट इज नॉट रीजन, दैट इज इमोशन. रीजन वो नहीं है जो आप रीजनिंग कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर. रीजन का मतलब कारण है यहां पर. तो सर वही कारण हो गया ना कि उसके वजह से हमें वो इमोशन आया कि नहीं इसको कुछ देना चाहिए हमने. इमोशन आ गया ना तो फिर वो कारण नहीं है. या तो इमोशन होगा या कारण होगा, वो तुम्हारा इमोशन है. जैसे तुम करप्शन करना चाहते हो पर उसका कारण ये है, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि फिर जेल हो जाएगी तुम. यहाँ पे इमोशन आ गया, वहां पे कारण नहीं है. फिर वहां इमोशन ही वर्क करेगा. रीजन एंड इमोशंस आर टू सेपरेट थिंग. सर एक बार फिर से बताते हैं. देखिए जैसे अभी एग्जांपल लेके बता देंगे, लास्ट में पूछते हैं मोनल आपसे, आप खुद को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी ये समझो, इमोशंस आर नॉट परमानेंट, ऑल मोरल एक्शंस कैन बी डिराइव्ड बाय द रीजंस, रीजन आर ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग, ट्रू एथिक्स आर गाइडेड बाय द रीजंस रेदर देन द इमोशंस, ठीक है? तो हम देखते हैं कि जैसे ये पर्सन है, इसका एग्जाम्पल हमने दिया कि इसको वापस समझो आप लोग कि इसको ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ऑनेस्ट है यार, मैंने इसको ब्राइब में पैसा दिया, इसने मना कर दिया. पर ये ऑनेस्ट नहीं था, इसके पास एक रीजन था मना करने का, एक कारण था इसके पास. क्या कारण था? अगर मैं ब्राइब में पैसा ले लूंगा तो कल को मेरे को जेल भी हो सकता है, ठीक है? कल को लोग बाग सोशल बायकॉट भी कर सकते हैं, कोई मेरे घर नहीं आएगा, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, एंड ऑल इस तरह की चीज हो सकती है, राइट? ये चीज आपको इसके अंदर, आई विल नॉट डू द करप्शन एज इट विल लीड्स टू द पनिशमेंट और सोशल, इसके पास एक रीजन है. पर जब तुम्हें बैगर दिख रहा है ना मोनल, तो तुम्हारे पास रीजन नहीं है कुछ यार, इसको दे दो बस. इमोशंस के अंदर हो, ये रीजन नहीं होगा कि इसका हाथ पैर टूटा है या फिर ये टूटा है, ये ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं है. क्योंकि अब देखो हर चीज का तो कोई कारण तो होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये और रीजन और इमोशंस के बीच सटल डिफरेंस है वो तुम समझो. यहाँ पे कहीं तुम्हारा इमोशन अटैच नहीं है यार, तुम डर रहे हो बस, ठीक है? यहाँ पर तुम्हारा एक बार ये हटाओ सोशल बायकॉट और ये हटाओ कि तुमको 5 मिनट के लिए खुला छोड़ दो और तुम क्या करोगे, इतना पैसा इकट्ठा कर लोगे 5 मिनट में जितना पूरी जिंदगी में नहीं कर पाओगे. ये सो करा, पर इसके पास रीजन है, इसको रोका हुआ है रीजन है, एक एक्सटर्नल कॉज. रीजन इज व्हाट? एक एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल थिंग है
उसको रोका हुआ है, दैट इज मेकिंग द अकाउंटेबिलिटी. वो क्या है, एक्सटर्नल चीज अकाउंटेबिलिटी बना रही. हाँ बट वो देखो आपको है ना इथिक्स के अंदर ये भी समझो कि आपको जो इथिक्स के अंदर जो बचपन से पढ़ते आए हो ना वर्ड्स, उनका मीनिंग बदलते हैं. यहाँ पे रीजंस का मतलब क्या है, रेशनैलिटी, यू आर यूजिंग योर रेशनैलिटी, ठीक है, रेशनल थिंकिंग कर रहे हैं आप. इमोशन का मतलब यू आर नॉट यूजिंग योर रेशनैलिटी एट ऑल, यू आर जस्ट गिविंग द मनी. और इमोशनल नहीं होते तो घर पे आके फिर अगर रेशनैलिटी आपने यूज करके दिए तो घर पे आके फिर आपको ऐसा क्यों लगता कि यार दैट इज नॉट राइट थिंग. वो तो ऑब्जेक्टिव होता फिर. Rationality is something that is objective in its nature. Harman is saying कि हाँ बोलिए मोनल बोलिए पहले. सर क्या कहते हैं? सर मैं ये सर इसमें reason में ये भी हो सकता है कि कोई पाप या पुण्य का concept हो तो religious कोई belief हो तो उसके वजह से नहीं कर रहे कुछ तब. हाँ वो भी हो सकता है बिल्कुल. वो बट पढ़ेंगे. एक होता है individual और एक होता है individual thing होती है, cultural thing होती है. वो हम पढ़ेंगे, ठीक है. आगे चल के बढ़ेंगे. देखो ये भी हो सकता है ना बायकॉट, सोशल बायकॉट क्या है, यही है कि यार मेरे को बुरका पहनना पसंद नहीं है, ठीक है, बट मेरे को बुरका पहनना पड़ेगा क्योंकि लोग बहुत सोशल बायकॉट कर देंगे. यहाँ पर आगे सर इसका यहाँ पे सोशल ना हो के कुछ इंटरनल उसके लिए कि सर जो हम फिलोसफी में पढ़ते हैं कर्मा ये सब, वो तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो फिर आपका एल्ट्रुइज्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है, या फिर वो यस सर. सर यहाँ पे कोई जैसे सोशल का कोई नहीं है बट ये कि कर्मा से रिलेटेड कुछ अगर हम सोच रहे हैं उसकी वजह से कर रहे हैं तब. हाँ तब तो फिर क्या है, तब तो वो एल्ट्रुइज्म में आ जाएगा, ठीक है, कि आपके दिमाग में ये रहता है कि हमको हमेशा अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि आपका ये स्वभाव है. दैट इज नॉट समथिंग एक्सटर्नल कि आपको ये डर नहीं है कि हमको फिर अगर अच्छा अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमको जेल हो जाएगा, ये आपको डर नहीं है. फिर आपको आपका अच्छा काम करना है ना, आपका एंड है इन इटसेल्फ. End in itself. That is not means to achieve some end. That is end in itself. Are you getting this question? Yes, sir. Okay. So Harman ji's question is, sir, altruism is not to overthink like a situation. That is why it gives the happiness. Altruism is something in yourself. ठीक है, something is coming from yourself. ठीक है, your inner voice is there. ठीक है, कि आपकी inner voice आपको compel कर रही है कि आपको करना चाहिए और आपने कर दिया. कोई external चीज नहीं है जिसके अंदर क्या है. और उससे यू आर फीलिंग द सेटिस्फेक्शन, यू आर फीलिंग द हैप्पीनेस, दैट इज नॉन अल्ट्रुइज्म. अल्ट्रुइज्म नॉट टू ओवरथिंक. ओवरथिंक का बात नहीं यहाँ पे, अल्ट्रुइज्म अंदर से आ रहा है बच्चा, ठीक है हरमन, सॉरी, इट्स नॉट टू ओवरथिंक, दैट्स व्हाई इट गिव्स द हैप्पीनेस. ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा नहीं कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ हम ये समझ रहे हैं, ये समझो कि अल्ट्रुइज्म इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम अस, मतलब इनसाइड अस, ठीक है, हमारे अंदर से आ रहा है वो और वी आर फीलिंग हैप्पी अबाउट दैट. दैट इज अल्ट्रुइज्म, दैट्स द थिंग. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम. रीजन देखो, रीजन क्या होता है, रीजन के अंदर देखो ये होता है कि जैसे ये पनिशमेंट कर रहा है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी जो होता है ना वो ये फॉलो करता है कि मान लीजिए कि इस पर्सन को इसने मारा, ठीक है, ये टीचर है, ही इज बीटिंग द स्टूडेंट, ठीक है, पहले ऐसा होता था, राइट, ही इज बीटिंग द स्टूडेंट. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स. अभी अगले दिन क्या होगा, बिल्कुल क्लास के अंदर बिल्कुल क्या रहेगा, शांत रहेगा, बिल्कुल चुप रहेगा और एथिक्स के प्रिंसिपल फॉलो करेगा, जहां सर देखेंगे वहां उनको गुड मॉर्निंग करेगा, ये सब करेगा. क्यों? क्योंकि इसके पास रीजन है. क्या रीजन है? नहीं करेगा पिटाई पड़ेगी इसकी, इसके पास रीजन है. और दैट इज वेरी ऑब्जेक्टिव थिंग. तो ये रीजन वाले से बोलते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव रहना सिस्टम के अंदर, कि अगर आपको मतलब हमेशा एथिक्स को फॉलो करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दो. क्योंकि मैन जो है ना, अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर किस तरह से बोलते हैं, ये कौन बोल रहे हैं, ये कौटिल्य बोल रहे हैं. अब देखो हम बाद में जाकर आपके ये फिलोसफर लाने वाले हैं, पर अभी बताते हैं कौटिल्य क्या बोलता है. देखो, मैन इज जस्ट लाइक अ हॉर्स एट वर्क, घोड़े की तरह है, हॉर्स एट वर्क. जैसे घोड़ा होता है ना वर्क करने पे, जब घोड़ा भाग रहा होता है तो घोड़ा भागता है ना तो उसके टेम्पर में चेंज होता रहता है, चेंज इन टेम्पर, टेम्परेंस उसका चेंज होता रहेगा. ठीक है, वो इधर उधर देखिए, आपने देखा वो घोड़े के युद्ध के अंदर घोड़े के इधर इस तरह से ऐसे लगा रखा होता है. क्यों लगा रखा होता है? क्योंकि वो इधर उधर का दिखे नहीं, उसको बस सामने का देखे, सामने भागे. ये तो घोड़ा जो होगा ना वो इधर उधर होता रहता है, तो इधर दिखा वो इधर भाग जाएगा, इसलिए घोड़े के आगे ऐसे लगा देता है जिससे क्या है उसको दिखे ही नहीं इस तरफ का. ठीक है, और वो चलता है. तो मैन इज जस्ट लाइक हॉर्स एट वर्क और कंटिन्यूसली इसका टेम्पर चेंज हो रहा है, तो उसको करने के लिए कोई रीजन चाहिए, उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई रीजन चाहिए हमें. ये कौटिल्य बोलते हैं इस तरह से. हम करप्शन के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर.
ये सब बोलते हैं मैन इज जस्ट लाइक ए फिश इन द ओशन, ओशन के अंदर फिश है, अब वो फिश कभी भी किस समय पानी पी लेगी उसको नहीं पता चलेगा, मुंह खोला पानी पी गई उसको ही नहीं पता चला कब पानी पी गई, इसी तरह से मैन कब करप्शन कर देता है उसको ही नहीं पता चलता, तो उसको क्या करना है, इसको गाइड करने के लिए, इसको एथिकल बनाने के लिए वी हैव सम रीजंस, वी शुड हैव सम रीजन टू गाइड इट, ठीक है, सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया समझाने के लिए। मोनल आई थिंक दैट इज क्लियर, मोनल जी सर क्लियर हो रहा है अभी। हाँ, तो ये समझो कि ह्यूमन बीइंग है ना बाय इट्स वेरी नेचर इज नॉट एथिकल, ये ऐसे बोलेंगे, जस्ट अपोजिट टू अल्ट्रुइज्म और इमोशंस थिंक के अंदर क्रिटिसाइज करते हुए, ह्यूमन बाय इट्स वेरी नेचर इज नॉट एथिकल, उसको बनाना पड़ेगा क्योंकि अब देखो मैटर एथिक्स की डेफिनेशन में जाओ दैट इज बियॉन्ड एथिक्स, कि मतलब एथिक्स को क्यों फॉलो कर रहे हैं, रीजन वाले ऐसे बोलेंगे हम एथिक्स को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमारी पिटाई पड़ेगी, हमें पनिशमेंट मिलेगा, नहीं करेंगे तो हो सकता है हम जेल भी चले जाएं। जैसे एक सिंपल सा केस लेते हैं, ये तो सबका एवरीडे लाइफ का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप हेलमेट पहनते हैं, कब पहनते हैं, जब पुलिस वाला सामने खड़ा होता है तब हेलमेट पहनते हैं, ठीक है, रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं आप, ठीक है, एथिक्स क्या बोलते हैं कि रेड लाइट को क्रॉस मत करो, आपके एथिक्स क्या बोलते हैं, आपके एथिक्स ये बोलेंगे अगर पुलिस वाला है तो रेड लाइट को क्रॉस मत करो, पुलिस वाला नहीं तो रेड लाइट को क्रॉस करो, आपके एथिक्स क्या, एथिक्स क्या बोलते हैं सोसाइटी के कि भाई क्या करो, इसलिए पुलिस वाले को खड़ा करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है, ये समझे, उस वाले इसलिए पुलिस वाले को खड़ा करना पड़ेगा, दैट इज रीजन, यू हैव अ रीजन टू स्टॉप बिफोर द लाइट बिकॉज देयर इज अ पुलिसमैन देयर, यू हैव अ रीजन टू वियर द हेलमेट नॉट जस्ट फॉर योर सेफ्टी बिकॉज द पर्सन इज देयर, और वो फाइन करता है भाई, पैसे नहीं है हमारे पास इतने, कभी कभार घर पे फोन भी कर देता है, डांट भी उड़ जाती है, हेलमेट क्यों नहीं पहनते, सो यू हैव रीजन, दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, सो दोस हु आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रीजन, ठीक है, और दोस थॉट्स, जैसे कौटिल्य है, कौटिल्य से बोलेंगे कि मैन हमेशा बदलता रहेगा, अपना टेंपर बदलता रहता है, ठीक है, तो मैन इज जस्ट लाइक अ हॉर्स, उसको अकाउंटेबल करने के लिए उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा उसको, मतलब कुछ एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉर्म करने पड़ेंगे, that will bind him, that reason will bind him to follow the duty, reason bol raha hai usko ki bhai apni duty follow karo, uski ichcha nahi hai, but reason is saying to follow the duty, yes Monal you want to ask something, yes sir mujhe yahi bolna tha abhi ki humne bola ki reason reward aur punishment ko maddenazar rakhte hue hi hona chahiye, ha reason dimag ke andar reason aisa aata hai tabhi aata hai yaar agar ye karenge to bhai ye ho jayega, main ghar mein bhi karta hu कि अपन ये स्टेप उठाने जाते हैं बट ये सोचते हैं नहीं नहीं घर पे हो सकता है पता चल गया तो फिर दिक्कत होगा, रिवार्ड पनिशमेंट या फिर सोशल कन्फॉर्मिटी, व्हाट इज सोशल कन्फॉर्मिटी कि समाज क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, ठीक है, लोग तो कहेंगे कुछ, अगर आपके ऐसा हो जाए, अगर आपके दिमाग में ऐसा हो जाए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, डोंट टेक देम सीरियसली, तो आप रीजन को फॉलो नहीं कर रहे, यू डू नॉट हैव एनी रीजन टू स्टॉप योरसेल्फ, बट वेन यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस टूवर्ड द सोसाइटी कि सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे यार, अगर मैं डॉरी ले लूंगा तो सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, अब उल्टा हो रहा है सिस्टम में, ठीक है, अगर मैं डॉरी ले लूंगा तो सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे कि लड़के में कुछ कमी थी तभी बिना डॉरी के आ रहा है, ये अपने सोसाइटी के अभी एथिक्स है, आई थिंक आई एम होपिंग दैट यू आर गेटिंग दिस वन व्हाट आई एम सेइंग, यस सर अभी समझ गया, अभी हो गया डाउट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये जो है ना दैट इज व्हाट दैट इज द रीजन, रीजन का मतलब ये होता है, राइट, तो हर एक को समझ में आना चाहिए, वैसे सबको समझ, लास्ट तक तो सबको समझ में आ जाता है, जैसे मैंने रीजन स्टार्ट कर तो लास्ट में जाते जाते तो सबको समझ में आ ही जाएगा, इतना एग्जांपल दे देंगे, ठीक है, चलिए अब एक होता है कि एक होता है एब्सोल्यूटिज्म और एक होता है रिलेटिविज्म, ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक है एब्सोल्यूटिज्म और एक है रिलेटिविज्म, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं देखो इथिक्स के जो प्रिंसिपल होता है ना दैट इज परमानेंट इटर्नल अनकंडीशनल, इनको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एब्सोल्यूटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो इट एब्सोल्यूटली, व्हेन यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ तब आपके पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए युधिष्ठिर की तरह कि तुमने ट्रुथ को मना कर दिया, यू हैव टू फॉलो इट लाइक एनीथिंग, एब्सोल्यूटिज्म, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, इमैनुअल कांट, गांधी, आगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, आजादी चाहिए तो नॉन वायलेंस ही चाहिए भाई,
ये मेरे प्रिंसिपल है, इस नॉन वायलेंस पे मैं नहीं कर रहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन नॉन वायलेंस वट एवर द थिंग इज। सुभाष चंद्र बोस कहेंगे कि सर क्या क्या लगा रखा है नॉन वायलेंस, इतना अच्छा टाइम है, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है, अंग्रेजों की बिटाई हो रही है, लेट्स गेट द फ्रीडम बाय डिफीटिंग अंग्रेज, ब्रिटिशर्स को मार के जल्दी से अपने फ्रीडम ले लेते हैं, क्या अपने नॉन वायलेंस नहीं करेंगे और ब्रिटिशर्स स्पेन में अभी हमने उन पर अटैक नहीं कर सकते, क्या है आगे चलकर पढ़ेंगे अपन इसको। तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये होता है कि आप प्रिंसिपल्स को कैसे बोलते हैं, ये देखो कैसे कैसे आता है ये थॉट, एब्सोल्यूटिज्म का थॉट क्या होता है, ये ऐसा थॉट आता है, एक फिलोसफिकल एंगल दे रहे हैं इसको थोड़ा, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट के अंदर फिलोसफी भी आपको डालनी होगी, ठीक है ना। तो देखो सोल है, सोल जो होती है ना वो एब्सोल्यूट होती है, ऐसे मानते हैं जैसे आत्मा है, कृष्ण बोल के गए आत्मा अमर है, अमर है, एब्सोल्यूट है, इसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना आत्मा प्रोड्यूस होती है ना मरती है, आत्मा को छेदा भी नहीं जा सकता, आत्मा को काटा भी नहीं जा सकता, आत्मा इज एब्सोल्यूट, सोल इज एब्सोल्यूट, सोल इज इटर्नल, सोल इज परमानेंट। सो एज अवर इथिकल प्रिंसिपल्स, जो ऐसे बोलेंगे इथिकल प्रिंसिपल इज जस्ट लाइक अ सोल, एथिकल प्रिंसिपल्स है ना आपके दिमाग में पहले से आ जाते हैं, जैसे सोल तुम्हारे पास पहले से है ना, वैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर पैदा होते ही तुम एथिकल रहते हो, सारे भगवान ने एथिक्स बेचकर भेजा है तुमको, ये हर एक के दिमाग में, आपके दिमाग में भी है कि ट्रुथ बोलना चाहिए, मेरे दिमाग में भी है कि ट्रुथ बोलना चाहिए, ये पहले से हमारे, जैसे हमारे हाथ और पैर पहले से आ रहे हैं, वैसे हमारे दिमाग में एथिकल प्रिंसिपल सेट करके दिए भगवान ने, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूटिज्म, दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड एवरीबॉडी शुड फॉलो देम, देयर आर सर्टेन कार्डिनल प्रिंसिपल दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूटिज्म, कि भाई भगवान ने पहले से आपको गिफ्ट दिया है, गॉड गिफ्टेड है ये सब चीजें, एथिक्स स्पीक द ट्रूथ, ये कौन बोल रहा है, भगवान, ये मॉरल प्रिंसिपल है ना भगवान ने बनाया, अब भगवान ने तुम्हारे दिमाग में अंदर डालकर दिया है कि नो मॉरल प्रिंसिपल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे आपने पहली पहली बार कभी चोरी करी हो ना, पहली पहली बार कभी चोरी करते हैं आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्लास के अंदर कोई पेंसिल चुराया हो, ठीक है, पेंसिल चुरा रहे हैं आप क्लास के अंदर, आपको किसी ने बोला नहीं है कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए ये सब चीजें, आप बहुत ही फ्रेश फ्रेश गए स्कूल के अंदर, आप किसी की पेंसिल चुरा रहे हैं, ठीक है, किंडर गार्डन के अंदर है, गार्डन के अंदर है आप किसी की पेंसिल चुरा रहे हैं, अंदर से कुछ होगा ऐसा कि नहीं नहीं चुरा सकते, आपकी कॉन्शियसनेस बोलेगी, कॉन्शियस बोलेगी, आपके पसीने आ जाएंगे, हो सकता है यार नहीं नहीं क्या कर रहे हैं पागल हैं कि अपन ये नहीं कर सकते, अंदर से कुछ आपको बोलेगा, व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज इसका रीजन एब्सोल्यूटिज्म वाले देंगे, भगवान ने पहले से फीड करके भेजा है तुम्हारे दिमाग, यू शुड नॉट डू द स्टीलिंग, डोंट स्टील, समझ आ रहा है, आप अपने आप जाते हैं, ठीक है, आप अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी कॉन्शियंस की आवाज बहुत भारी हो रही है आपके ऊपर, ये भी थ्योरी है दैट गांधी है, गांधी को अपन इसके अंदर डालेंगे, बट अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि गांधी को बीच में लाकर तुमको डिस्ट्रैक्ट करूँ, सिर्फ सिंपल सुनो, जिससे ये एक तरीका है कि जिससे कि आपका बेस क्लियर होता रहे, फिर हम इसके अंदर गांधी भी डाल देंगे, हम कांट भी डाल देंगे, सबको डाल देंगे, बुद्ध को भी ले आएंगे, जैन को भी ले आएंगे, सबको ले आएंगे, एक ही बात है। तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब समझो कि देयर इज समथिंग एब्सोल्यूटनेस इन द एथिकल प्रिंसिपल, और वो एथिकल प्रिंसिपल मेरे दिमाग में भी उतने ही हैं जितने तुम्हारे दिमाग में, तो उनको हमको फॉलो करना चाहिए, सबका एक ही प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमको फॉलो करना, जैसे अंडरलाइन थॉट ऑफ ऑल द रिलीजन, वेदर इट इज इस्लाम, वेदर इट इज हिंदुइज्म, वेदर इट इज क्रिश्चियनिटी, इज यूनिवर्सल कॉमन ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड, पीस, हार्मनी, इक्वालिटी, ये होता है कॉमन प्रिंसिपल, अगर हम देखें अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ ऑल द रिलीजन, एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्यूट इन इट्स नेचर, ये है, जैसे कि आग जो होती है ना वो जलाती है, ये उसका नेचर है, वैसे ह्यूमन बीइंग चोरी नहीं करता, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। आगे हम इसको धर्म से लिंक करेंगे, अभी आगे बहुत अच्छे से समझा देंगे इसको, ठीक है। Anybody want to ask anything, please ask. I think Rishabh want to ask something. Anybody want to ask something? और एथिक्स सब्जेक्ट को है ना बच्चों मजे से पढ़ना है अपन को, हमें लोड लेना ही नहीं है, ये 3 घंटे भी पढ़ा दूं मैं तुमको, 4 घंटे भी पढ़ा दूं, तुम्हारे दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी आएगी,
कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी तुमको, तुम थकोगे नहीं इस सब्जेक्ट के अंदर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेचर है सब्जेक्ट का, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे लिए बर्डन नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है, ये तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट है एथिक्स सब्जेक्ट इसके अंदर, क्यों? क्योंकि बाय नेचर यू आर वेरी एथिकल ह्यूमन बीइंग, बाय इट्स वेरी नेचर इज एथिकल, दैट्स द रीजन। तो डोंट टेक इट लाइक ए सब्जेक्ट, इसको प्रैक्टिकल, क्योंकि ये पूरा आपने सुना होगा कई टॉपर्स बोलते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स के अंदर बोलते हैं कि दिस इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल इन इट्स नेचर। हाउ अ प्रैक्टिकल थिंग कैन बी बोरिंग, स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। इसको इस तरह से मत पढ़ो कि भाई हमको क्या करना है एग्जाम के लिए, बहुत प्रिपेयर करना है और फिर डेफिनेशंस मैंने देनी है, नो डाउट अबाउट दैट, तुम्हें डेफिनेशन रटनी है, मैं अभी बोल रहा हूँ, पर समझ के रटनी, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस मोनल, प्लीज आस्क। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एब्सोल्यूटिज्म जो है वो सोशलाइजेशन के पहले वाला है, लाइक जैसे हमने एग्जांपल दिया। अभी एक मिनट में आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये एक मिनट में क्लियर हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट। अच्छा, और भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो प्लीज आस्क मी, है ना। मोनल ही पूछती रहेगी, मोनल ने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही रखी है क्वेश्चन पूछने। एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स यू हैव टू आस्क मी, और छोटा सा डाउट भी। मोनल अभी बस आपका ये वाला क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा जब अपन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज धर्म। चलिए, तो ये समझ गए, देयर आर समथिंग दैट इज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, एथिक्स आर वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव। एब्सोल्यूटिज्म वाले ऐसे बोलेंगे, अपन एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एब्सोल्यूटिज्म वाले क्या बोल रहे हैं कि एथिक्स आर वेरी वेरी व्हाट, वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव इन इट्स नेचर, कुछ प्रिंसिपल है दैट यू हैव टू फॉलो, दैट्स ऑल, दैट इज एथिक्स, ठीक है। तो देखो, एब्सोल्यूट एथिक्स होल्ड्स दैट देयर इज वन यूनिवर्सल मोरल कोड व्हिच इज फाइनल, ठीक है, एंड अप्लाइज इक्वली टू ऑल द मेन ऑफ ऑल द एजेस, ठीक है, चला आ रहा है, अभी बताएंगे इसके लिए काम होता है, इसके लिए मैं बताता हूं। एंड दैट चेंजिंग सिचुएशन और चेंजिंग व्यूज मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसएवर टू दिस एब्सोल्यूट मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट डज इट मींस? अब देखो, अब समझ में आएगा इसका थी, इसका मतलब देखिए, अगर हम देखें कि इंडियन कंसेप्ट ऑफ धर्म जैसा होता है ना, दैट इज एब्सोल्यूटिज्म। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है धारण करना, ध्री धातु से बनाए, धारण करना, धारण करना किसको? नेचर को, जैसे नेचर जो है बोल रहा है ना, उसको धारण करना, ठीक है। तो जैसे आग का धर्म क्या होता है? जलना, जलाना, आग का धर्म जलाना है। पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना, पानी का धर्म, समझ में आ रहा? तो इस तरह से इन सब की, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग का धर्म है सच बोलना। ये आप और मैंने डिसाइड नहीं करा, ये नेचर ने डिसाइड करा है। जैसे नेचर ने आपको जलाने की तरह बोला है, वैसे हमारा धर्म, हमको क्या धारण करना है जो हमको नेचर दे रहा है, हमारे ऊपर कुछ जो भगवान ने हमको दिया है दिमाग के अंदर, एब्सोल्यूटिज्म, स्पीक ट्रुथ, यू कैन नॉट डिनाई इट। फायर कैन नॉट डिनाई कि आई कैन नॉट बर्न यू, सॉरी, आई कैन नॉट प्रोड्यूस हीट, सॉरी, ऐसा नहीं बोल सकते सर। इसी तरह से तुम भी क्या है, तुमको भी धर्म का मतलब होता है कि जो चीज बोली जा रही है ना, उसको धारण करो। तुम कुछ भी चीज करोगे गलत, तुम्हारे अंदर से अंतरात्मा की आवाज कुछ बोलेगी तुमको कि भाई मत कर यार, ऐसा मत कर। इनर वॉइस और कॉन्शियसनेस जो होती है, इनर कॉन्शियसनेस, वॉइस ऑफ कॉन्शियस, वो आपको बोलेगी, रुकेगी, तो क्यों रोक रही है? जब आप चोरी कर रहे हो, आपको ये किसी ने बताया तक नहीं कि भाई चोरी करना पाप है, और आप अपने फ्रेंड की चोरी कर रहे हो पेंसिल को, और तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं, हैरम क्या कर दिया, और हो सकता है उस वक्त कर ही भी नहीं रहा, दूसरी बार ट्राई करा फिर भी नहीं, तीसरी बार कर ली, चौथी बार कुछ भी नहीं हुआ, पांचवी बार तो तुम एक की नहीं 10 की चोरी करने लग गए। पहली बार क्यों हुआ दिक्कत? बिकॉज अंतरात्मा की आवाज है, इनर वॉइस, कॉन्शियस। एब्सोल्यूटिज्म कहेगा कि तुम्हारे अंदर भगवान ने ये दिया है कि चोरी मत करो, अगर तुम करते हो, क्योंकि तुमको फ्रीडम भी दी है, फ्रीडम ऑफ विल भी दिया, अगर तुम करते हो तो पहले तो तुम्हारे अंदर कुछ होगा, फिर तुम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो फिर वो चीजें बहुत कॉमन हो जाएगी तुम्हारे लिए। उस चीज को गांधी ने अपनी थ्योरी बना दी, क्या थ्योरी बना दी वो अभी पढ़ लेंगे, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बाद में तो बाकी बाद में तो पढ़ते रहेंगे। एब्सोल्यूटिज्म क्या है? इथिकल प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट इन इट्स नेचर, इटर्नल, स्पिरिचुअल, अदरवर्ल्डली एंड डिवाइन लाइक अ गॉड, भगवान की तरह। इसको बदल नहीं सकते तुम, ऐसा नहीं बोल सकते कल को कि सच बोलना जो है ना ये गलत है या झूठ बोलो,
झूठ बोलो ऐसे नहीं बोल सकते तुम, झूठ बोलोगे तो अगर तुमने इथिकल प्रिंसिपल बना लिया झूठ बोलना है चोरी करना है तो भी तुम चोरी करोगे ना तो भी क्या करोगे तुम्हारे अंदर से कुछ होगा। मान लीजिए तुम्हारे किसी एक पर्सन है उसके पेरेंट्स रोज उसको सुबह उठते ही बच्चा पैदा हुआ सुबह उठते उसको बोला ठीक है हर वक्त उसको बोलते हैं बेटा चोरी करना क्योंकि बहुत बड़ा चोर बनना है बेटा आगे जाके है ना तेरे को चोर बनना है ठीक है रोज उसको बोलते हैं देखो चोरी करना बहुत अच्छी चीज है फिर भी जब वो चोरी करेगा ना तो उसके हाथ कांपेंगे। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डाले हैं भगवान ने कि जब तुम इस तरह के एक्ट करोगे तो दिक्कत होगी। और हम ऐसे बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन वाले धर्म नहीं, सनातन धर्म मतलब जो सदियों से चला आ रहा है एजेस से चला रहा है। अगर तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले जाओगे तो भी आग का काम जलाना ही था बच्चों, और तो भी इथिकल प्रिंसिपल्स क्या थे एब्सोल्युटी ही थे, तभी भी सच बोलने वाला क्या होता था सच बोलते थे तो वो उसके अंदर वो उसको अगर झूठ बोलता था तो उसको इनर वॉइस ऑफ कॉन्शियस उसको रोकती थी। सनातन धर्म मतलब जो सनातन से चला आ रहा है, दैट इज नॉट हिंदुइज्म या फिर दैट इज नॉट इस्लाम और ये सब चीजें नहीं है। सनातन धर्म मतलब जो नेचर है, नेचर है आग जलाती आ रही है, सनातन धर्म है आग का। तुमको स्पीक करना है ट्रूथ, ये तुम्हारा सनातन धर्म है। अब जब तुम नहीं करोगे इससे तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, तुम्हारे अंदर कुछ अलग हो गया, देन यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग। तब तुमने अपनी ह्यूमैनिटी लॉस कर दी। एक आदमी ने मर्डर कर दिया किसी का, और नॉन वायलेंस इज नेचर ने कह रखा है नॉन वायलेंस करना है, पर तुमको फ्रीडम ऑफ विल है तो तुमने मर्डर कर दिया, तो यू आर नो लॉन्गर ए ह्यूमन बीइंग, तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी का एलिमेंट चला गया। ऐसा बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म वाले। देखो अब वापस डेफिनेशन पढ़ो इसको एक बार, कि एब्सोल्यूट इथिक्स होल्ड्स दैट देयर इज वन यूनिवर्सल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच इज फाइनल, पर जो एजेस से चला आ रहा है सनातन धर्म, एंड दैट चेंजिंग सिचुएशन और चेंजिंग व्यूज उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं हो रहा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे उनको भी चोरी करते हुए उनका भी हाथ कांपते थे, हाथ कांपते थे उनके भी, और आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर भी चोरी करते हुए हाथ कप रहे। इसका मतलब क्या है, जैसे आग यहाँ पर भी जलाती थी यहाँ पर भी चला रही है, आग का नेचर है जलाना, तुम्हारा नेचर है डोंट स्टील डोंट डू वायलेंस, नॉन वायलेंस है तुम्हारा नेचर, दैट इज नोन एज व्हाट एब्सोल्यूटिज्म, दैट इज एब्सोल्यूट एथिक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मोनल नाउ इट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, it should be clear, है ना? एक बिल्कुल अच्छे से clear होना चाहिए, then only you should say. Yes, clear. Anybody want to ask anything? Rishabh, Kehkasha, Himanshu, Shivkan, Ujjwal, Neema, कोई भी किसी को कुछ पूछना है तो रिंकू मिस्टर यू आर आस्किंग समथिंग बिकॉज आपका वॉइस नहीं आ रहा है। रिंकू मिस्टर डू वन थिंग, या तो अपना आप माइक चेंज कर लीजिएगा, अदरवाइज है ना चैट पे लिख दो, चैट पे लिख दोगे तो मैं आंसर कर दूंगा। यस, तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब आई थिंक आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट एब्सोल्यूटिज्म, राइट? एब्सोल्यूटिज्म के बाद क्लियर हो गया है सबको, ठीक है? प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्रियंका मिश्रा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ बिकॉज डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है? दिस इज नोन एज एब्सोल्यूटिज्म, आई होप दिस इज मोर देन क्लियर, ठीक है? वी रियलाइज दैट देयर इज प्रेजेंस थ्रू सम इनर वॉइस, कोई इनर वॉइस है हमारे अंदर, ठीक है? कोई इनर वॉइस है जो हमको इस तरह से कर रहा है, राइट? तो सम इनर वॉइस, सम कॉन्शियस इनर वॉइस एंड वॉइस ओवर सोल, दैट इज अंतरात्मा की आवाज इज देयर, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडियन कंसेप्ट ऑफ धर्म समझ गए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, दिस इज नॉट धर्म। व्हाट डस वी मीन बाय धर्म? धर्म का मतलब ये है जो चला आ रहा है, जिसको धारण करना। धारण किस चीज को करना है? जो प्रकृति आपको बोल रही है, जो गॉड आपको दिया है, गॉड ने आपको इनर कॉन्शियस दी है, उसको धारण करना है आपको। उसमें ये लिख रखा है कि ये सब चीजें करो, ये मत करो, ठीक है? तो ये बोलते हैं कि दे आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, ठीक है? There are certain principles that should be followed, ठीक है? उन principle को तुमको follow करना होता है। This is clear. So this is known as Indian concept of धर्म, ये Indian concept of धर्म है। इसी तरह से Bible के अंदर भी there are 10 commandments, ठीक है? That man should follow, ठीक है? ये
कमांडमेंट्स है जो कि मैन को फॉलो करने चाहिए. दिस आर 10 कमांडमेंट्स. ठीक है, जैसे डोंट वर्शिप एनी अदर गॉड, ये बाइबल के अंदर लिख रखा है कि कोई और गॉड को वर्शिप नहीं करना चाहिए आपको. ठीक है, दैट इज बाइबल. ये कमांडमेंट्स दे रखे हैं, कमांड है जो तुमको फॉलो करना है. दिस आर द कमांड गिवन बाय द गॉड इटसेल्फ. कमांड भगवान एब्सोल्यूट है ये, क्योंकि भगवान ने दिए कमांड. दैट इज टू एब्सोल्यूट. शुमिला फता शुमहलिया फतिमा सर, इन एब्सोल्यूटिज्म नॉन वायलेंस पीपल विल कम. आई एम नॉट गेटिंग यू व्हाट यू वांट टू आस्क. नॉन वायलेंस पीपल विल कम. आई एम नॉट गेटिंग यू शुमिला फतिमा. इफ यू कैन स्पीक प्लीज स्पीक, इफ एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम योर साइड. चलिए, तो ये 10 कमांडमेंट्स हैं. ये कमांडमेंट्स हैं, मतलब दिस आर द कमांड्स गिवन बाय द गॉड. ये आपको फॉलो करने ही है. ठीक है, बाइबल में एक लिख रखा है कि ये आपको फॉलो करने ही है. एनी हाउ यू हैव टू फॉलो दिस वन. ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूटिज्म का मतलब. बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको कि एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है. ये एक थॉट है. ठीक है, इस थॉट के अंदर आएंगे गांधी, इस थॉट के अंदर आएंगे. जैसे कि मैं आपको एक गांधी का एक थॉट बताता हूँ छोटा सा, मतलब उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट फील हो रही है. राइट, एब्सोल्यूटिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल ऑलवेज. ऐसा देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रैक्टिकल नहीं है कि नहीं है. एब्सोल्यूटिज्म वाले तो ये बोलेंगे कि हाँ वो प्रैक्टिकल है. रिलेटिविज्म वाले उसको क्रिटिसाइज करेंगे. कैसे क्रिटिसाइज करेंगे, आई विल लेट यू नो. ठीक है, अभी आप थोड़ा वेट करें. रिलेटिविज्म के बारे में हम आपको बताते हैं. अच्छा, ये आप एक बात सुनिए इसके अंदर. जैसे कि गांधी का एक थॉट बोलते हैं, गांधी ऐसे बोलते हैं कि देयर आर टू सेल्फ्स इन अ ह्यूमन बींग. दो सेल्फ होती है ह्यूमन बींग के अंदर. एक होती है हायर सेल्फ और एक होती है लोअर सेल्फ. हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ. एंड थिंग इज दैट हायर सेल्फ इज द वन जिसको अपन बोल रहे हैं इनर वॉइस, अंतरात्मा की वॉइस, इज कंट्रोलिंग द लोअर सेल्फ. एंड दिस हायर सेल्फ इज टू जेन्युइन, जेन्युइन सेल्फ है ना. इसको पता है ये आगे की सोच के करती है. इट इज टू फ्यूचरिस्टिक, ये इमोशन में नहीं बहती. इट इज टू रेशनल, ये हायर सेल्फ जो है ना. एक इंसान के अंदर दो सेल्फ होती है, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ. ये आपको एथिक्स में लिखना है, आपको ऐसे में लिखना है, हर जगह लिखा है जाना. ठीक है, तो जब तक आपकी लोअर सेल्फ किसके कंट्रोल में है, हायर सेल्फ के कंट्रोल में ना, तब तक यू आर डूइंग द एथिक्स. तब तक तुम एथिकल हो, तब तक तुम धर्म को फॉलो कर रहे हो. धार्मिक, धार्मिक का मतलब ये नहीं होता कि तुम हिंदू के रीति रिवाज फॉलो कर रहे हो या मुस्लिम के रीति रिवाज फॉलो कर रहे हो. धार्मिक का मतलब ये होता है कि जो नेचर है ना उसको तुम फॉलो करें. दैट इज धार्मिक मीन्स. धार्मिक का मतलब ये होता है, धार्मिक मीन्स कि नेचर को आप फॉलो कर रहे हैं. दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज धार्मिक. तो ये बोलते हैं जब इनर वॉइस आपको कंट्रोल कर रखी है ना लोअर सेल्फ को, देन इट इज यू आर वेरी वेरी एथिकल. जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हो, जैसे तुमने पहली बार पेंसिल चुराई तो तुम्हारी अंतरात्मा ने तुमको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा और तुमसे नहीं हो पाई चोरी. दूसरी बार करने की कोशिश करी तो भी नहीं हो पाई. तीसरी बार तुमने इनर वॉइस को रखा साइड में कि भाई थोड़ी देर साइड में रहो, मेरे को एक पेंसिल चुरा लें दो, और आपका इनर वॉइस का कंट्रोल यहां से छूट गया और आपने पेंसिल चुरा ली. अब आप बन गए नॉन एथिकल. अब यू नीड रेगुलेशंस कि अगर पेंसिल चुराई ना बेटा तो मार पड़ेगी. ये रेगुलेशन होगी. तो वेन एवर योर इनर वॉइस इज कंट्रोलिंग योर लोअर सेल्फ, ठीक है, और हायर सेल्फ इज कंट्रोलिंग योर लोअर सेल्फ ना, देन it is very good, you are very ethical, you do not read rules and regulation at all. But once that control chuta, jaise control chut gaya, to tumhe koi chahiye, teesri cheez chahiye jo tumko control kare. Ki agar tumne, kyunki ab tumhare antaratma ki awaaz to gayi side mein baith gayi, to tumne chup kara diya, aur lower self will become your what, will overcome the higher self. In that situation bachcho, in that situation there should be some rules and regulation. एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए जो कि आपको कंट्रोल करे. एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी. पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी कितने तरीके होती है, सब चीजें पढ़ेंगे. व्हेन योर इनर वॉइस इज कंट्रोलिंग यू ना, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर रेस्पॉन्सिबल बींग, यू नो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इज. बट तुम अपनी जब रेस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हो ना, तो तुम्हारे लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है. कोई होना चाहिए जो तुम्हारे एक्शंस को अकाउंटेबल रखे. To whom you are accountable,
अगर तुमने गलती करी तो तुम अकाउंटेबल हो जाओगे, कुछ होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये गांधी का प्रिंसिपल है, ये अपन पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट वन, ठीक है। यही प्रिंसिपल बर्लिन का है, इसाक बर्लिन, ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो हमको बहुत सारे फिलोसफर पढ़ने हैं, पर मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उनकी सारी बातें बता दूंगा, बाद में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, दैट इज जस्ट अ चाइल्ड गेम फॉर यू, राइट। तो हमने ये पढ़ लिया, अब इस प्रिंसिपल्स को पढ़ो। अब देखो, अब ये समझो एब्सोल्यूटिज्म क्या कर रहा है। एब्सोल्यूट इथिक्स होल्ड्स दैट देयर इज वन यूनिवर्सल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट विच इज फाइनल, वो हर एक के दिमाग में है, भगवान ने दिया है वो, एंड अप्लाइज इक्वली टू ऑल द मैन, सबके पास है, सारे मैन जो सारी जो के इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर यहाँ तक एंशिएंट बीइंग से लेकर सबके पास है। एंड दैट चेंजिंग सिचुएशन और चेंजिंग व्यूज मेक नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, दिस एब्सोल्यूट मोरल कोड ऑफ कंडक्ट चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो गया, मनमोहन सिंह आ गए, नरेंद्र मोदी आ गए, ओबामा आ गए, बाइडन आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चोरी करना पाप है तो पाप है, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एब्सोल्यूट इटर्नल स्पिरिचुअल अदरवर्ल्डली एंड डिवाइन लाइक द गॉड, दे आर ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉट गाइडेड बाय द पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट से गाइडेड नहीं होते, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव्स, दे आर ऑब्जेक्टिव वन, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव है पर्सनल। वी रियलाइज देयर प्रेजेंस थ्रू द वॉइस ऑफ इनर of our conscience, inner voice, voice of self, that is antaratma ki awaaz, जो आपको रोके रखती है। और इसको गांधी ने कैसे बताया, मैंने आपको बताया, धर्म का मतलब क्या होता है सब समझ गए, धर्म का मतलब that is too natural, वो आज भी था, कल भी है और परसों भी रहेगा, that is known as धर्म in the Indian society। और हमने धर्म को क्या बना दिया, religion, एक बहुत ही narrow थी, धर्म एक ही है, तुम्हारा धर्म और मेरा धर्म हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा धर्म अच्छा है मेरा धर्म अच्छा है, अरे भाई धर्म एक ही है दोनों का, दैट इज व्हाट, दैट इज नेचर। ऐसा थोड़ा ना तुम्हारी आग अच्छी है मेरी आग अच्छी है, तुम्हारा फायर अच्छा है मेरा फायर अच्छा, तुम्हारा पानी अच्छा है मेरा पानी अच्छा है, पानी का काम है प्यास बुझाना, प्यास बुझाएगा ही, चाहे तुम अमेरिका में जाके पानी पियो चाहे तुम इंडिया में जाके पानी पियो, ठीक है, पानी का प्यास बुझाना ही है, ठीक है। सर यू टॉक्स अबाउट द कमांडमेंट्स ऑफ द बाइबल बट दिस इज फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी, हाउ इट कैन बी यूनिवर्सल, नहीं यूनिवर्सल नहीं, उसका एक एग्जाम्पल है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो कमांड है, समझ रहे, उसका क्या है, एक एग्जाम्पल दिया अपन ने, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही कमांड है, ठीक है। तो कमांडमेंट्स का है, जैसे कमांडमेंट्स एब्सोल्यूटिज्म के अंदर आते हैं कि एब्सोल्यूटली आपको उसको फॉलो करना है, ये है सबको फॉलो करना है, उस कम्युनिटी पर्टिकुलर कम्युनिटी वाले सबको फॉलो करना है, that is, that's why that example is there, ठीक है, right? तो आपको जो commandments है ना, 10 commandments, वो क्या है? उस particular community के लिए absolutism है, ये समझो, ये हमने पूरे के लिए नहीं बताया आपको, ठीक है? तो जैसे 10 commandments of Bibles जो है, वो आपके इस तरह से, तो absolutism का मतलब समझ में आ गया सबको, है ना? This is the absolutism, ठीक है? 10 commandments of Bible, ठीक है? That is not वो, कि particular एक बाइबल के लिए बोला गया, बाइबल के क्या 10 कमांडमेंट्स है, तो वो अपनी कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि यहाँ पर एब्सोल्यूट के अंदर तुमको फॉलो करना है। इसी तरह गांधी जी के मीन्स है, गांधी जी जो अपने प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे वो एब्सोल्यूटली फॉलो करेंगे, गांधी जी ऐसे मानेंगे, बाइबल वाले ऐसे मानेंगे, देखो बाइबल वाले तो ऐसे मानेंगे ना, सबको ही ऐसे फॉलो करना चाहिए, बाइबल वाले तो उसको क्या कर रहे हैं, गांधी भी ऐसे मानेंगे सबको ट्रुथ अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्य परिग्रह इसको फॉलो करना चाहिए। तो गांधी के लिए ये है, गांधी सुभाष चंद्र बोस से बोलेंगे अरे भाई नॉन वायलेंस मत करो, वो सॉरी वायलेंस मत करो, गांधी से कि ये वायलेंस, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है ना दैट इज एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स दैट यू हैव टू फॉलो, कि तुम्हारा कितना भी कंसर्न हो कि भाई आजादी चाहिए बट नॉन वायलेंस यू शुड नॉट फॉलो, दिस इज व्हाट, दिस इज द गांधियन मीन्स, ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते, गांधी का एब्सोल्यूटिज्म मतलब गांधी ये बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल एब्सोल्यूट के अंदर है, इमैनुअल कांट बोलेंगे ये प्रिंसिपल कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स है। चलो आगे चलते हैं अपन, अब आप चलते हैं रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म का मतलब क्या होता है, रिलेटिविज्म का मतलब ये है कि कोई भगवान भगवान नहीं आया है, कि कोई गॉड नहीं आया है, कोई नेचर नहीं आया है, जिसने क्या है एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए, कोई नेचर नहीं आया है, एथिकल प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स एथिकल प्रिंसिपल बनाते हैं, और दिस एथिकल प्रिंसिपल्स कीप चेंजिंग, आज ह्यूमन बींग ने ये बना रखा है एक एथिकल प्रिंसिपल, कल दूसरा बन जाएगा,
को तीसरा बन जाएंगे. दे आर रिलेटिव इन इट्स नेचर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मतलब कि एक ऊपर है उसके ऊपर कोई नहीं है, नहीं, वो रिलेटिव है. वो रिलेटिव हो सकता है, आज ये प्रिंसिपल है कल ये वाला प्रिंसिपल है, कल ये हो सकता है ये हो सकता है. दे आर रिलेटिव इन इट्स नेचर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव. जैसे कि एब्सोल्यूट का मतलब है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है बच्चों. सोल इज एब्सोल्यूट, आत्मा एब्सोल्यूट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है. रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब कि इसके ऊपर कुछ हो भी सकता है. ये देखो आज एथिकल प्रिंसिपल है, कल को ये हो सकता है अनएथिकल हो जाए. सती प्रथा एक टाइम पर एथिकल मानी जाती थी, दूसरे टाइम पर वो अनएथिकल हो गई. आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस वन राइट. तो देखो एथिक्स मोरलिटी डेराइव फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. इंडिविजुअल और सोसाइटी से डेराइव होती है. सो इट्स कीप चेंजिंग, ये चेंज होती रहती है. ये रिलेटिविज्म वाले बोलते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये सबके अंदर एक जैसी नहीं है, ये चेंज होती रहती है. ह्यूमन बींग ने बनाई है, सोसाइटी ने बनाई, इंडिविजुअल ने बनाया, चेंज होता रहता है. आज है कल नहीं हो सकते. तो रिलेटिव और रिलेटिविस्टिक एथिक्स होल्ड द मॉरल स्टैंडर्ड्स वेरीज विद द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. कि मॉरल स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि तुमने जो कह दिया तो बस कह दिया, ऐसा नहीं है. ठीक है, जैसे कुछ कभी खुशी कभी गम में होता है ना, वो बोलते थे अमिताभ बच्चन, उसको कह दिया ना बस कह दिया. तो ही इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म. इसके आगे बात ही नहीं हो सकती. दैट इज व्हाट, दैट इज एब्सोल्यूटिज्म. मेरे मॉरल्स जो है वही है. एब्सोल्यूटिज्म वाले जो मान के चलते हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स आर स्टैटिक, दे आर नॉट डायनेमिक. एब्सोल्यूटिज्म वाले मानेंगे, एब्सोल्यूटिज्म को जो फॉलो करेंगे, जैसे गांधी बोलेंगे किसी भी केस के अंदर तुम क्या कर सकते हो, नॉन वायलेंस यूज नहीं कर सकते, सॉरी वायलेंस यूज नहीं कर सकते, चाहे वो फिर आजादी की बात ही क्यों हो, तुम नहीं कर सकते. 1922 के अंदर चोरी चोरा हत्याकांड हुआ तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने मूवमेंट को ही खींच लिया, बोला मैं नहीं कर सकता मूवमेंट क्योंकि वायलेंस हो चुका है. Violence is not acceptable at all. Gandhian principle. कोई तुम्हारे थप्पड़ मारा है, दूसरा गाला आगे कर दो. थप्पड़ मारा फिर दूसरा गाला आगे कर दो, इस तरह से बोला जाता. वो absolutism है. उसको relative बना दिया था. मुन्ना भाई MBBS देखा होगा आपने तो, उसके अंदर क्या था, मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई मूवी के अंदर, उसने बोला कि एक गाल आगे करा तो थप्पड़ मार दिया, दूसरा गाल आगे करा फिर थप्पड़ मार दिया, तीसरे गाल की बोला ही नहीं गांधी जी ने तो उसने बहुत अच्छे से घुमाकर उसके थप्पड़ मार. He is following the principle of relativism. गांधी थोड़ी ना कहते हैं एक गाल दूसरा गाल तीसरा गाल चौथा गाल, फैलेसी ऑफ इनफिनिट में थोड़ी ना फंस जाएंगे गांधी. गांधी ने तो बोल दिया भाई ये चीज करने, इसने अच्छे से पढ़ा नहीं था, आधा अधूरा पढ़ा है, थप्पड़ मार दिया ऐसे. ठीक है, तो ये क्या है, रिलेटिविज्म है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूटिज्म. एब्सोल्यूटिज्म है भैया हाथ नहीं उठाना. साल्ट सत्याग्रह के अंदर लोगों के सर फोड़ दिए गए, उन्होंने लाइन में खड़े रहते थे लोग. साल्ट सत्याग्रह अगर आपने पढ़ा हो दांडी मार्च के अंदर, तैसे लाइन में खड़े हैं लोग. और ये क्या है, कानून तोड़ने वाले हैं, साल्ट बनाएंगे जाकर पोस्ट पे जाकर साल्ट बनाएंगे. यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं और यहाँ पे स्ट्रेचर लेके लोग बाग और स्ट्रेचर ले गए. एक आया उसके सर पे लाठी मारी, ये गिर गया और इसको स्ट्रेचर पे ले जाके इसका स्ट्रेचर पे इसका इलाज कर. दूसरा भागा नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा खड़ा है, इसकी भी लाठी पड़ी, इसको पता है पिटना ही है, इसको स्ट्रक्चर करेगी. इस तरह से लोग खड़े हैं लाइन में, मारो. प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे हैं. कई लोगों की डेथ हो गई इस, जब इसको ये पिट रहा है और इसको बुरी तरह मारा गया तो इसको क्या लगा होगा, इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो भाग जाओ, भाग जाता तो रिलेटिविज्म है तुम्हारी, नॉन वायलेंस रिलेटिविज्म ही, या फिर क्या है, या फिर सब मिलकर इसको मार दो जो मार रहा है, वो भी रिलेटिविज्म, नॉन वायलेंस का कर है. तो ये है प्रिंसिपल. ठीक है, कि गांधी के ये प्रिंसिपल थे कि भाई देखो अत्याचार सहन नहीं करना है, पर अत्याचार सहन नहीं करना है इसका मतलब नहीं है कि तुम खुद ही अत्याचार कर दो. अत्याचार सहन नहीं करना है, अत्याचारी का जब वो डंडा मार रहा है तुम्हारे, तो उसका दिल पिघलेगा एक दिन. उसको क्या हुआ, एक दिन उसको उसका दिल पिघलेगा, चेंज ऑफ हार्ट्स होगा उसका, कितना भी है तो ह्यूमन बींग. ये गांधी का आइडियलिज्म था, ये थॉट चलता था, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. रिलेटिविज्म क्या है, कि रिलेटिविज्म में ऐसे बोला जाता है कि देखो हर एक अपनी तरह से इसके अंदर रिलेटिविज्म में क्या करेगा, ये बनाएगा. ठीक है, तो रिलेटिविज्म वाले बोलते हैं यार एब्सोल्यूट प्रिंसिपल को कब तक फॉलो करोगे. रिलेटिविज्म वाले वो एग्जाम्पल देंगे एब्सोल्यूट वाले को कि भाई क्या है, कि मैं था तो बहुत ऑनेस्ट, पर मेरे को इस पर्सन ने गन पॉइंट पे रखा, तभी भी मैंने कुछ नहीं कहा इसको, मैंने कहा मैं साइन नहीं करने वाला, तू गन पॉइंट पे रख ले कुछ भी कर ले. फिर इसने मेरे को एक फोटो दिखाई, इस फोटो में मेरी वाइफ थी, मेरे दो छोटे बच्चे थे, मेरे बूढ़े पेरेंट्स थे, उन सबों के गले पे चाकू लगा के एक आदमी खड़ा था.
मैंने साइन कर दिए। एब्सोल्यूटिज्म वाले बोलेंगे अरे भाई क्या कर दिया, तो बोलेगा भाई तुम्हारा एब्सोल्यूटिज्म अपने पास रखो, फैमिली इज इंपॉर्टेंट। और ये रिलेटिविज्म है, तो रिलेटिविज्म वाले बोलेंगे हर सिचुएशन में थोड़ी ना एब्सोल्यूटिज्म फॉलो कर लोगे तुम, ट्रुथ तुमने बोल दिया और वहां पे दुर्योधन जीत गया और फिर धर्म का पूरा विनाश हो रखा है। युधिष्ठिर विल से दैट कि भाई अब ट्रुथ नहीं बोलना चाहिए अभी, ठीक है। तो रिलेटिविज्म इज सेइंग लाइक दैट, रिलेटिविज्म और रिलेटिविस्टिक इथिक्स होल्ड्स दैट मोरल स्टैंडर्ड्स वेरीज विद द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, देयर आर सो मेनी कल्चर्स एंड रिलीजियस डिफरेंसेस एंड इन सम सर्कमस्टेंसेस इट मे बी एथिकली करेक्ट टू डू द सर्टेन थिंग्स बट इन अदर सिचुएशन इट माइट बी कंप्लीटली इमोरल, ठीक है। कि उस केस के अंदर जब आपने किसको बताया कि भाई वो बच्चा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ है, आपने बता दिया उस पर्सन को, तुमने तो बोल दिया बट तुम इमोरल कहलाओ जाओगे, समाज की नजरों में इमोरल कराया जाओगे कि बच्चे को भी नहीं बख्शा तुमने अपनी ट्रुथ के लिए। तुम्हारा ट्रुथ जो एथिक्स था एब्सोल्यूटिज्म के अकॉर्डिंग वो तुम्हारा इमोरल हो जाएगा। ये है फॉर एग्जाम्पल इट इज राइट। देखो इस तरह से रिलेटिविज्म के अंदर, देखो रिलेटिविज्म के अंदर दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं रिलेटिविज्म में, अब ये देखो कि मान लो ए पर्सन है, उसके खुद के कुछ कोड ऑफ एथिक्स है, इसके खुद मोरल वैल्यूज है। अब एब्सोल्यूटिज्म वाले बोलते हैं भाई तेरे मॉरल वैल्यूज और तेरे मॉरल वैल्यूज अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज फीड करके भेजिए भगवान ने, प्रोग्रामिंग करके भेजिए भगवान ने, तो ये अलग ही नहीं। तो रिलेटिविज्म वाले बोलेंगे इसके मॉरल वैल्यूज अलग होंगे, इसके मॉरल वैल्यूज अलग होंगे। जैसे मुस्लिम्स के अंदर पॉलीगैमी इज वेरी राइट, पॉलीगैमी इज वेरी एक्सेप्टेबल इन मुस्लिम्स, बट इन क्रिश्चियन इट इज नॉट, क्रिश्चियंस के अंदर ये नहीं है। अभी सिविल सर्वेंट शुड फॉलो द रिलेटिविज्म, अभी ये सब बातें करेंगे, इसके अंदर एटीट्यूड हम पढ़ेंगे। तो एक होता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और एक होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, अविनाश। तो अभी अपन सिविल सर्विस में तो अभी आए नहीं, अभी तो हम चीजें तो समझ लें क्या है एब्सोल्यूटिज्म रिलेटिविज्म। जब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तब हम उसके अंदर ये सब चीजें पढ़ेंगे, सब पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। एक भी आपका ऐसा कंसेप्ट नहीं रहेगा लास्ट तक क्लास के अंदर, ठीक है, जो आपका छूट गया हो। आप देख रहे होंगे अभी जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन, अच्छा ये भी आप ऑब्जर्व करना, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठता है तो आगे जाकर उसका आंसर अपने आप ही मिल जाता है आपको, ये भी आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये डिजाइन इस तरह से करा है कि मेरे बेसिक से अगर जब मैं स्टार्ट करूँ तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे हजारों तरह के, पर यहाँ तक आते आते आपको क्या करना है वो सॉल्व। पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन पूछना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आते आते वेट करो। शक्ति प्लीज आस्क मी, शक्ति पांडे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप पढ़ा रहे हो तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिनोनिम्स होते हैं, जैसे टेम्पर, एंगर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तो आप क्लियर डेफिनेशन भी बता दो तो तुरंत समझ। डेफिनेशन अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा ना उसका, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, जब हम वैल्यू सिस्टम पढ़ेंगे ना तब उसके अंदर क्लियर डेफिनेशन भी होगी आपको। और इसके अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी मैं पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैं पढ़ाऊंगा, वो भी कमिंग लेक्चर्स में आने वाले हैं। अभी जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आ गया और आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने लग गया तो एथिक्स छूट जाएगा अपना। आर यू गेटिंग दिस वन? तो मैं आपको बेसिक मीनिंग बता दूंगा अभी, कि एक सिविल सर्वेंट रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, तो ये चीज है, ठीक है। So I hope this is clear. So what we will do, we will take a break of 10 minutes. ठीक है, 10 या 15 minutes का जैसा भी आप कहें, please let me know कि 10 चाहिए या 15 minutes चाहिए। एक किसी को, एक students को पकड़ लेते हैं किसी को भी, जो अभी तक बोला नहीं है। Just give me a second. प्रियंका मिश्रा, please। अच्छा प्रियंका मिश्रा तो बोल ही नहीं पाती है, एक सेकंड रुको। उज्जवल मिश्रा बताओ मुझे कितने देर का ब्रेक चाहिए, जल्दी 10 मिनट्स का ना, ठीक है। तो अपन 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद मिल रहे हैं बच्चों, आज थोड़ा सा लंबा पढ़ लेंगे अपन, अगर आप अलाउ करें मुझे तो 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद अपन मिलते हैं, ठीक है। यस चलिए।
Hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay. तो देखिए आज का जो लेक्चर है ना, आज के लेक्चर को आप एक बार वापस देख लीजिएगा और नोट्स के साथ एक बार पढ़ लेंगे तो भी आ जाएगा समझ में वैसे तो. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, राइट? इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं बस ये समझो, क्योंकि दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एथिक्स, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, राइट? तो एक दो साल में ऐसे रिपीट होता रहता है, व्हाट इज मेटा एथिक्स, कभी आ जाएगा व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, इस तरह से आ जाएगा, राइट? तो हम इसके अंदर ये समझ रहे थे कि रिलेटिविज्म में क्या होता है. रिलेटिविज्म में अलग अलग होते हैं, ठीक है? इट कैन बी इंडिविजुअल रिलेटिविज्म, इट कैन बी कल्चरल रिलेटिविज्म. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी राइट टू द मुस्लिम पीपल टू हैव द फोर वाइव्स, बट फॉर क्रिश्चियन मैन दिस वुड बी कंसिडर इमोरल. तो इमोरलिटी और मोरलिटी कौन है? सोसाइटी ने बनाई है, ठीक है? ये भगवान ने नहीं बनाई है. जो एब्सोल्यूटिज्म वाले बोल रहे हैं ये भगवान ने बनाई है, दैट आर रॉन्ग. ये बनाई हमारी सोसाइटी ने, ये बनाया इंडिविजुअल ने, कि व्हाट इज मोरल व्हाट इज नॉट, ये इंडिविजुअल बताता है, सोसाइटी बताता है, ये भगवान आकर नहीं बता रहा है आपको, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इट इज राइट फॉर द मुस्लिम टू हैव फोर वाइव्स, ये आपको समझना आया होगा. तो एथिक्स इन दिस वर्ल्डली एंड क्रिएटेड बाय द एथिक्स इज दिस वर्ल्डली, है ना? इस वर्ल्ड में ही बनाया गया, ऐसा नहीं कि भगवान ने बनाकर भेजा है, अदर वर्ल्डली थिंग नहीं है ये, दिस वर्ल्डली थिंग है. एंड क्रिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड ओनली, और ह्यूमन माइंड ने बनाया है, हैंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव. ये बहुत सब्जेक्टिव है और इसमें कहीं एब्सोल्यूटनेस नहीं है, और ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देते हैं कि इसके अंदर ये एक एथिक्स था पहले सोसाइटी का, सती प्रथा वाज एथिक्स, ठीक, ऑफ द सोसाइटी. बट एथिक्स चेंज हुए, राजा राम मोहन राय ने चेंज करा, तो इंसानों ने बनाया इसलिए चेंज हो गया. नहीं तो क्या होता कि अगर ये होता तो फिर ये कंटिन्यूस ही रहता है. एब्सोल्यूटिज्म का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई एथिक्स एब्सोल्यूट के अंदर आपको फॉलो करना है तो इट कैन बिकम रिजिड, है ना? रिलेटिविस्टिक वाले से बोलेंगे ये रिजिड हो जाएगा बहुत सारा. सपोज करके देखो, अगर हम एब्सोल्यूटिज्म को फॉलो करते तो आज भी सती प्रथा को हमको मानना होता, क्योंकि एब्सोल्यूटिज्म वाले कहेंगे आग बंद करके मानो उसको, राइट? इस तरह से होता है, राइट? तो अब रिलेटिविज्म होना जो, वो दो तरह का होता है. एक तो इंडिविजुअल रिलेटिविज्म, आपके और मेरे बीच में रिलेटिविटी आ रही है कि मैं एक एक्स इथिक्स को मान रहा हूँ, आप वाई इथिक्स को मान रहे हो, और एक कल्चर के बीच में आ रहा है कि हिंदू कुछ एक इथिक्स को मानते हैं एक्स को. जैसे हिंदू के अंदर यह है, बीफ ईटिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है? बीफ ईटिंग इज नॉट अलाउड, जबकि मुस्लिम्स के अंदर इट इज वेरी वेरी ओके. Beef eating is very, very okay. So, culture relativism हो गया. This is known as what? This is known as culture relativism, right? So, देखो, individual relativism क्या है? Individual create their own moral standard. खुद के moral standards बनाते हैं individuals, ठीक है? Individual morality depend upon what suits one the best, ठीक है? मेरे को हो सकता है कि मेरे को घूमना पसंद है, ठीक है? किसी को घूमना पसंद नहीं है, ये हो सकता है. या फिर मान लीजिए किसी को live in रहना पसंद है, मुझे live in रहना पसंद नहीं है, ठीक है? तो ये मेरे हो सकते हैं. तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, राइट? इंडिविजुअल मोरलिटी डिपेंड अपॉन व्हाट सूट वन द बेस्ट. मुझे क्या है, देवराज को क्या पसंद है, दैट इज द थिंग, राइट? उज्जवल को क्या पसंद है, ये उसका है. तो ये इंडिविजुअल रिलेटिविज्म, हम रिलेटिविज्म है, हम रिलेटिवली है. कोई एब्सोल्यूटिज्म नहीं है कि उज्जवल को भी वही फॉलो करना पड़ेगा, देवराज को भी वही फॉलो करना पड़ेगा. देयर इज नो एब्सोल्यूटिज्म इन दिस वन. यहां पे रिलेटिविज्म का फॉलो होना. इंडिविजुअल मोरलिटी डिपेंड अपॉन वॉट सूट्स वन द बेस्ट, ठीक है? जिसको जो सूट कर रहा है वो उसको अंदर रखो. जो अपन मोरल्स के बारे में बताते हैं वही इंडिविजुअल रिलेटिविज्म बोल रहे हैं, राइट? डिफरेंट मोरल वैल्यूज ऑफ द पुअर एंड द रिच, द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग, यंग एंड द ओल्ड, सबकी अपनी अपनी मोरल वैल्यू थी, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल रिलेटिविज्म, और इसको ही हमने मोरल्स कहा, ठीक है? कुछ होता है जैसे अपने ये इंडिविजुअल रिलेटिविज्म का, इसके अंदर ये एग्जांपल लिया था, इसका एग्जांपल लिया था कि भाई ये दुर्योधन का खुद का कुछ मोरल वैल्यूज है, कर्ण के खुद मोरल प्रिंसिपल है. कर्ण का मोरल प्रिंसिपल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये धर्म के साथ तो रहना चाहता है पर इसके लिए फ्रेंडशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन धर्म. तो ये अधर्म भी फॉलो कर लेगा, अधर्म की साइड भी हो जाएगा अगर फ्रेंडशिप की बात आएगी तो. इसी तरह से दुर्योधन कहता है कि भाई देखो, दुर्योधन बोलता है मैं तो क्या है, मुझको भी पता मेरा क्या है, मेरा तो धर्म ही ये है कि इस चीज को फॉलो करना, ठीक है? इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना यही मेरा धर्म है. इसका अलग मोरल है, इसका अलग मोरल. तो इंडिविजुअल रिलेटिविज्म का मतलब क्या है, हर इंडिविजुअल अलग होता है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल रिलेटिविज्म. हाँ, मोरल्स एंड इंडिविजुअल रिलेटिविज्म आर द सेम थिंग. तो मेटा एथिक्स के अंदर ऐसे बोलते हैं, मेटा एथिक्स के अंदर ऐसे बोला जाएगा, दैट इज बियॉन्ड एथिक्स. मेटा एथिक्स ही पढ़ रहे अपन. तो मेटा एथिक्स के अंदर ये बोला जाएगा कि बताए कि अर्जुन ऐसा क्यों था और दुर्योधन ऐसा क्यों था और कर्ण ऐसा क्यों था. तो मेटा एथिक्स वाले बोलेंगे कि देखो,
इसलिए था रिलेटिविज्म, उसका थॉट आएगा यहाँ पे इंडिविजुअल रिलेटिविज्म का, तो बोलेंगे हर एक रिलेटिव होता है, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट, ऐसा इसके अंदर बोला जाएगा, राइट। इसी तरह से हम अगर देखेंगे कल्चर रिलेटिविज्म का मतलब क्या है, कि कल्चर रिलेटिविज्म का मतलब क्या है कि हर कल्चर का कुछ एक स्पेस एंड टाइम में हुआ है। हिंदुइज्म बनाया तो उस वक्त कुछ स्पेस एंड टाइम था, इसी तरह से इस्लाम बनाया तो कोई अलग स्पेस एंड टाइम के अंदर बनाया, उस वक्त अलग तरह की कंडीशंस थी, हो सकता है कि अरब कंट्रीज के अंदर ही गया हो, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। अब ये पता नहीं, आई डोंट नो दिस इज राइट और नॉट, पर ये समझिए अरब कंट्रीज के अंदर क्या था, बहुत ज्यादा समुद्र वो था, मतलब बहुत सारे, अगर हम देखोगे अरब वर्ल्ड के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर बहुत सारा इसके अंदर क्या है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है। और वो डेजर्ट एरिया के कारण क्या है, क्योंकि उस डेजर्ट से अपनी स्किन को बचाना होता है, इसलिए क्या करती है लेडीज, क्या करती थी, बुर्का पहन लेती थी, ठीक है, बुर्का पहन लेती थी, उसका स्किन को प्रोटेक्ट करता है वो, इसलिए बुर्का पहन लेती थी, राइट। अब वो क्या हो गया, वो एथिक्स ही बन गया सोसाइटी के अंदर, उनको लगा कि एब्सोल्यूटिज्म है, पर वो उस स्पेस एंड टाइम की रिक्वायरमेंट थी, तो उस स्पेस एंड टाइम से इसका कोई एथिक्स सिस्टम बनाया, ठीक है, समझ रहे हो, रिलीजन वन का, और रिलीजन टू का किसी और स्पेस एंड टाइम के अंदर रिलीजन टू का एथिक्स बनाया, तो ये रिलेटिवली अलग अलग है, ये अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। तो कल्चर मतलब क्या है, कल्चर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, कल्चर वन इवॉल्व डिफरेंटली, कल्चर टू इवॉल्व डिफरेंटली, समझ में आ रहा है, तो इसलिए क्या है, इसलिए अलग अलग है, राइट। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी डिसाइडेड बाय द सोसाइटी थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस, मोरल प्रिंसिपल्स नीड द अप्रूवल ऑफ वन सोसाइटी, एक सोसाइटी की अप्रूवल चाहिए मोरल प्रिंसिपल्स को, ठीक है, दैट इज नोन एज कल्चरल रिलेटिविज्म। मोरल्स वैल्यू कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे कल्चर इज मोर इम्पोर्टेंट, कल्चर इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल्चर इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व होकर आया है, तुम तो कुछ भी सोच सकते हो, पर कल्चर का सदियों से चला आ रहा है, वो कल्चर इवॉल्व होकर बनता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल को ना देखकर सोसाइटी को प्रेफर किया जाएगा, सोसाइटी इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल, यहाँ पर इंडिविजुअल इज ग्रेटर देन द सोसाइटी, इंडिविजुअल जो अपने बारे में सोचेगा वही वो फॉलो करेगा, वन विल फॉलो द प्रिंसिपल वन विच सूट्स देम द बेस्ट, ठीक है, जो उसको सबसे ज्यादा सूट करेगा उनको वो फॉलो करेंगे, यहाँ पे कल्चर की बात माननी पड़ेगी, कल्चर रिलेटिविज्म, हर कल्चर अलग अलग होता है और हर कल्चर अलग स्पेस एंड टाइम में बना है, इसलिए अलग इवोल्यूशनरी प्रोसेस है हर एक का, तो उसके जो प्रिंसिपल्स है वो भी अलग अलग है, तो हमको हर स्पेस और टाइम के अंदर अलग अलग चीजें इसके अंदर माननी होगी, राइट। ये होता है आपका, ये पूरा हुआ है मेटा एथिक्स, जब मेटा एथिक्स का क्वेश्चन आया था तो आपको ये सब चीजें लिखनी थी, अगर आपके पास ये सब चीजें होंगी मेटा एथिक्स के अंदर, देन मेटा एथिक्स इज कंप्लीटेड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और बच्चों ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मेरे को पता नहीं चलता पढ़ाते पढ़ाते कि कहीं आपके कैपेसिटी के बाहर आ रहा हो, प्लीज लेट मी नो। आज का क्लास इतना ही रखें, कैन वी कंटिन्यू और कैन वी गो फॉर द नॉर्मेटिव एथिक्स और should we end the class, please let me know, chat section mein likhiye please, or feel free to write this one, na? Please free, feel free, ha, jo dekho jo culture ethics follow karenge na, culture ethics ko jo follow karenge na, वो क्या करेंगे, वो हमेशा ये बोलेंगे कि हमारी कम्युनिटी को ये पर्टिकुलर कल्चर फॉलो ही करना पड़ेगा, इंडिविजुअल की मर्जी और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल डजंट मैटर फॉर देम, ठीक है। जैसे हम देखते हैं इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कल्चरल रिलेटिविज्म है कि इस्लामिक कंट्री हमारे कंट्री से अलग है, ये कल्चरल रिलेटिविज्म, बट वहां पर जो कल्चर फॉलो हो रहा है वो उनको वो कह रहे हैं इंडिविजुअल की विल नहीं होगी बट इसके अंदर होगा, राइट। हाँ प्रियंका बोलिए, कल्चर इवॉल्व होता है, ऐसे बोल रहे हैं कल्चर इवॉल्व हुआ है, इंडिविजुअल ने स्टार्ट नहीं करा, जैसे बुद्ध का कल्चर है, ठीक है, बुद्ध कुछ बोल के गए, अब लेटर बुद्धा वाले है वो कुछ और बोले, वो कुछ और बोले, इस तरह से इवॉल्व हुआ है, बुद्ध तो कुछ नहीं बोल के गए थे, बुद्ध तो सोल और इनके बारे में कुछ नहीं बोल के गए थे, पर लेटर बुद्धा ने सोल के बारे में बताया, इस तरह से इवॉल्व होके कल्चर बना। हाँ प्रियंका, रिलीजन इज पार्ट ऑफ कल्चर, जैसे मान लीजिए कोई डिश है, दैट इज आल्सो कल्चर, आप कुछ खा रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, ड्रेस इज आल्सो अ कल्चर,
वो इवॉल्व होके बनी है। जैसे साड़ी एक अटायर है, साड़ी जो पहनती है इंडियन कस्टम्स के अंदर, इंडियन जो लेडीज साड़ी पहनती है, वो एक एक है, इवॉल्व होकर एक प्रोसेस आया। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम साड़ी है, तो वो एक इवॉल्व होकर एक प्रोसेस आया, दैट इज कल्चर। सुनाई नहीं दे रहा है प्रियंका, प्लीज स्पीक लाउडली। एक इंडिविजुअल ने स्टार्ट करा होगा तो वो इवॉल्व हुआ ना, वो धीरे धीरे इवॉल्व होके फिर एक कस्टम बना। कस्टम मतलब कि आगे चलकर फिर वो एक चीज बनेगी, समझ में आ रहा है? वो इवॉल्व होके बनी सब। नहीं किया इंडिविजुअल ने, एक इंडिविजुअल की थोड़ी ना, ये पंजाबी कल्चर है तो एक पर्सन का थोड़ी ना है वो पंजाबी कल्चर। धीरे 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 वो कल्चर डेवलप हुआ, इवोल्यूशन होता रहा और फिर आके बना। कल्चर इज नॉट वन पर्सन, कल्चर तो चेंज होता रहता है। पंजाबी कल्चर के अंदर आगे जाके कुछ और आ जाएगा उसके अंदर, तो वो एड ऑन हो जाएगा। कल्चर किसी का कल्चर वे ऑफ लाइफ है ना, वे ऑफ लाइफ तो तुम फिर वो डिफाइन करोगे तो वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट में चल जाएगा। ठीक है, कल्चर ये है कि वे ऑफ लाइफ तो सबका फिर एक ही होना चाहिए, सबका वे ऑफ लाइफ एक ही, हर एक पर्सन का अलग कल्चर। जैसे पंजाबी कल्चर इज डिफरेंट, ठीक है, नॉर्थ इंडियन उनके रिलीजन, सबका अलग अलग वे ऑफ लाइफ है ना, वो जरूरी नहीं कि सबके लिए एब्सोल्यूट एक ही हो। वैसे बोल सकते हैं जैसे पंजाबी लोग हैं उनके लिए लस्सी पीना दैट इज देयर कुजीन, ठीक है, तो वो उनके लिए अलग है, राइट। और इस तरह से नॉर्थ इंडियन के अंदर ये चीजें करना, खाना उनका रिलीजन, उनका पहनना पहनावा रिलीजन, ये सब चीजें अलग है। अगर तुम राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में जोधपुर की साइड चल जाओगे तो वहां पे ड्रेसअप अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कॉमन रहता है, जयपुर की साइड और इधर कॉमन रहता है ड्रेसअप, तो उनका कल्चर है, ऐसा कल्चर है। कल्चर इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट। ऑफ कर रहे हैं क्लास, ऑफ कर रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है, अभी पर क्वेश्चन तो सॉल्व कर दो बच्चों के। सर जैसे कि कल्चर सर ऐसे होता है कि सिविलाइजेशन होता है वो तो उनका राइज एंड फॉल होता रहता है, बट कल्चर ऐसा होता है कि वो चीज मतलब उसका कम्प्लीटली फॉल नहीं हो सकता। जैसे कि हमने IVC में देखा तो उसमें जो जो पशुपति का है तो वहां पे वर्शिप होता है, तो आज भी हम उसका रिफॉर्म वर्जन करते हैं, जैसे कि शिवलिंग शिवा को मतलब उनका वर्शिप करते हैं, एनिमल वर्शिप। तो सर कल्चर का होता है कि वो कंटिन्यूशन में मॉडिफाई होकर वो कई उसमें चलता रहता है। ये हम बोल रहे हैं इवॉल्व होता जा रहा है, इवोल्यूशन इवोल्यूशन इवोल्यूशन, ये तो बोला है कि इवॉल्व हो रहा है, तो इसके अंदर ये इन्होंने ये बताया, देखो हमने लिखाया भी इसके अंदर इवोल्यूशन वर्ड भी यूज करा। देखो इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या करते हैं, ये देखिए इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व। दिस इज क्लियर क्या क्वेश्चन? यस सर। रिलीजन इज आल्सो पार्ट ऑफ कल्चर, रिलीजन भी कल्चर ही है, कल्चर एक बड़ा टर्म है, रिलीजन इज ए पार्ट ऑफ कल्चर। ऋषभ सोसाइटी में पढ़ा होगा आपने कि रिलीजन एक पार्ट है कल्चर का, भाई कल्चर बड़ी चीज है, सबसेट है रिलीजन कल्चर का, ये है कल्चर तो बड़ी चीज है। पहनना भी एक कल्चर है, साड़ी पहनना एक कल्चर है, ठीक है, सूट बूट पहनना या फिर धोती कुर्ता पहनना दैट इज ए कल्चर आप कह सकते हैं। एनी डाउट्स और शुड वी एंड द क्लास बिकॉज स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट वी शुड एंड द क्लास, ठीक है। हाँ ये कह सकते हैं रिलीजन कास्ट क्लास, ठीक है, कास्ट सॉरी क्लोथिंग और कुछ भी कुजींस, ठीक है, ये सब चीजें क्या है अलग अलग उसके सबसेट्स। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? सर आपने जो एग्जांपल दिया वो गोरखा वाला, तो उन्होंने पहनना स्टार्ट किया भीड़ से बचने के लिए, तो किसी एक ने पहले ये आइडिया दिया होगा गोरखा टाइप के, इटली के अंदर पिज्जा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इटली के अंदर पिज्जा स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर ऐसा थोड़ा ना पिज्जा का एक ही वर्जन रहा, फिर उसके उधर चीज बटर पिज्जा भी आ गया, चीज पिज्जा भी आ गया, वो XYZ पिज्जा आते रहे फिर उसके अंदर। हाँ
अरे नहीं ऐसे नहीं देखना है, तो इंडिविजुअल ने स्टार्ट करा होगा बट इंडिविजुअल का पॉइंट ये ना वो तो इवॉल्व हो गया, जो उसने स्टार्ट करा था वो तो अब रहा ही नहीं। अब जो हमको पिज्जा मिलता है वो हमारे ही तरह से बनाया उन्होंने, उधर इतना स्पाइसी नहीं होता है इटली के अंदर, वो हमारी तरह से बनाया। स्टार्ट तो इंडिविजुअल ने करा, पर कौन करेगा भगवान थोड़ी ना। खुद की क्या करूंगा वो तो मेरे ऊपर है ना, इंडिविजुअल रिलेटिविज्म इज नॉट इट। आपने कोई बार फोन कॉल कर लीजिएगा, बिकॉज आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली अभी, ठीक है? फोन पे अपन बात कर लेंगे। आफ्टर क्लास यू शुड कॉल मी, बिकॉज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आई थिंक माइक प्रॉब्लम इज देयर। अभी आ रही है, बोल तो सकती है बट देयर इज, हाँ ठीक है, क्लैरिटी में नहीं आ रही है, बोलिए एक बार वापस। Anybody has any doubt? ठीक है, तो दैट्स द एंड ऑफ क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कल अपन इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं, नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर अपन करेंगे। अभी सबको ये पीडीएफ पढ़ना है एक बार, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कल लिख कर